हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अकेडमी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ओके, वेलकम यू ऑल ऑन इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अकेडमी एंड दिस इज शकील पठान। आई होप यू आर वेल। ओके, सो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स पर होगा। लास्ट क्लासेस में हम लोग मेटा सेंटर पे बहुत डिस्कशन किया है, तो जिन लोगों ने मेटा सेंटर नहीं देखा है वो जाके देखिए, बहुत ही ऑसम वीडियो था, बहुत ही सादा इंटरेक्टिव वीडियो हमने बनाया था। वहाँ पर आपको विजुलाइजेशन पूरा करवाया था कि सबमरीन की डिज़ाइनिंग कैसे होती है, ब्लास्ट क्या होता है, शिप की डिज़ाइनिंग कैसे होती है, मेटा सेंटर को प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेटा सेंटर बढ़ाने पर क्या होता है, मेटा सेंटर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इन सब के बारे में लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भाई गाइस। और आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो बेसिकली रहेगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स पे, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहा जाता है, इफ़ यू डोंट नो द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स एक्चुअली यू आर नॉट अ मैकेनिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर व्हेन वी कम टू द एज अ फ्लूइड मैकेनिक्स टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अवर रिचुअल। वेलकम यू ऑल इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी एंड दिस इज शकील पठान। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है सो प्लीज डाउनलोड दिस ऐप, बिकॉज व्हेन यू डाउनलोड दिस ऐप आपको यहां पर मिलता है डेली लाइव क्लासेस। इन द डेली लाइव क्लासेस यू कैन चैट विद योर एजुकेटर, यू कैन एंगेज इन द डिस्कशन, यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आंसर द पोल एंड इट ऑलवेज विल बी वेरी एंगेजिंग। इसके साथ साथ आपको यहां पर मिलता है अपना परफॉर्मेंस को इवोल्यूएट करने का, इनहांस करने का, अपनी न्यूमेरिकल एबिलिटी को इंक्रीज करने का, टाइम लिमिट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। आपको हर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते रहते हैं, जिससे कि जैसे ही आप अगर एक सब्जेक्ट कंप्लीट करें तो उसका टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑन अकेडमी वी ऑलवेज प्रोवाइड द कोर्स इन वेरी स्ट्रक्चर मैनर्स, इन एवरी प्लेटफॉर्म ऑन अकेडमी वी ऑलवेज प्रोवाइड द कोर्स इन स्ट्रक्चर मैनर्स। इसका मतलब कोर्स के जितने भी पार्ट्स हैं लाइक उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेके उसका सिलेबस तक, ईच एंड एवरी पोर्शन वी विल कवर विद वेरी क्रिस्टल क्लियरिटी। ऑन अकेडमी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो सो यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ऑल द लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस ऑन द अकेडमी। जितने भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उन सबका एक्सेस आपको वन सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाता है, और जितने भी एजुकेटर हैं अन अकेडमी पर उनकी सबकी क्लासेस आप एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हो। जितने भी बैचेस चल रहे हैं आपके सेक्शन में या सेगमेंट में उन सबको आप एक साथ ज्वाइन कर सकते हो। जैसा कि आप लोग सब जानते हो अन अकेडमी वी हैव अ लार्जेस्ट एजुकेटेड टीम। यश पटेल एफएम बेटा लास्ट मंथ से स्टार्ट हुआ था और 4-5-6 लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी, और आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू आ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स। तो यस 2-3 लेक्चर हो चुके हैं, 4-5 लेक्चर हो चुके हैं। ओके, सो जैसा कि आप लोग सब जानते हो ऑन अकेडमी वी हैव अ लार्जेस्ट एजुकेटेड टीम, तो यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटेड टीम से पढ़ने का मौका मिलता है, और आप एक ही टॉपिक को अलग अलग एजुकेटर से भी पढ़ सकते हो। तो जिन एजुकेटर का आपको बेस्ट समझ में आता है, अंडरस्टैंड होता है, उनको आप फॉलो कर सकते हो। अन अकेडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो प्लस है, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। प्लस में आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटेड टीम मिलती है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ उसका मिलेगा आपको, एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस यहाँ पर आपको मिलता है। क्विजेस में थोड़ा पर्सनल गाइडेंस ज़्यादा होता है, तो जो स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर या थर्ड ईयर में है उनके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं पर्सनल कोच, पर्सनल टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर और स्टडी मटेरियल, जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो। अगर हम सब्सक्रिप्शन के चार्जेस की बात करें तो सब्सक्रिप्शन के चार्जेस आप देख सकते हो, प्लस का जो चार्जेस है 12 मंथ का 30,250 रुपीज़ है। बट अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं पठान तो आपको यहाँ पर 2 फायदे मिलेंगे। पहला कि आप यहाँ पर फ्री क्लासेस जो है मेरी स्पेशल क्लासेस वो आप देख पाओगे। दूसरा आपको ये होगा कि आप जैसे ये कोड अप्लाई करते हो फॉर सब्सक्रिप्शन, तो कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लीजिए यूनिवर्सल कोड है, आपको 10% यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है। उसके साथ साथ आप मेरी टीम में आ जाते हो, मेरे गाइडेंस में आ जाते हो, तो फिर आपको मैं थ्रू आउट योर प्रिपरेशन एज अ ब्रदर आई कैन गाइड यू, आई कैन गिव अ सजेशन कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। आई कैन गिव माई रेफरेंस बुक ऑल्सो, माई पर्सनल नोट्स ऑल्सो। तो यहाँ पर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, अगर आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। तो जो स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए आई विल सजेस्ट कि वो 12 मंथ का कोर्स लें, क्योंकि एटलीस्ट 12 मंथ लगते हैं आपको गेट की प्रिपरेशन कंप्लीट करने में।
तो 12 मंथ और 24 मंथ या 18 मंथ आप ले सकते हैं एज यू विश, बट ज़्यादा बड़ा सब्सक्रिप्शन लेना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके फीस भी कम है तो एडवांटेज ज़्यादा है। ओके चलिए, आइकोनिक सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो आइकोनिक सब्सक्रिप्शन भी हमारे पास 2 स्लॉट में अवेलेबल है, 12 मंथ और 24 मंथ। 12 मंथ में आपको पड़ेगा 50,250 रुपीज, लेकिन अगर आप यहां पर कोड अप्लाई करते हैं पठान तो अगेन आपको यहां पर डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट के साथ ये पड़ेगा 45,225 रुपीज। यहां पर एक और आपके लिए बड़ी न्यूज़ ये है कि जितने भी हमारे कोर्सेज हैं वो सब EMI ऑप्शन पर अवेलेबल है, और EMI को अवेल कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक का है या फिर FGST का डेबिट कार्ड है या फिर बजाज फाइनेंस का कार्ड है तो यू कैन अवेल ऑल द कोर्सेज ऑन द EMI ऑप्शन ऑल्सो, और EMI बहुत ही मिनिमम है कि एनीबडी कैन अफोर्ड इन दिस प्राइस। ओके चलिए, इन ऑल लास्ट डिस्कशंस लास्ट क्लासेस वी जस्ट कवर इन अवर लास्ट क्लासेस वी कवर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स, यू नो दैट, कि अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, ये सब हम लोग लास्ट क्लासेस में कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन वगैरह कवर की थी, विस्कोसिटी के बारे में बताया था, कंटिन्यूम के बारे में बताया है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज पर हमने डिस्कशन किया था, कंप्रेसिबिलिटी पे हमने डिस्कशन किया था, क्वेश्चन भी करे थे बहुत सारे, विस्कोसिटी पे हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने कराए थे, रियोलॉजी पर भी वी डिस्कस ऑलरेडी, प्रेशर पर हम लोगों ने, मैनोमीटर्स अभी डिस्कशन कम्प्लीट नहीं हुआ है तो वो हम लोग कम्प्लीट करेंगे, सरफेस टेंशन ऑलरेडी हम कम्प्लीट कर चुके हैं, आर्किमिडीज लास्ट क्लास में बॉयंसी कंसेप्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन भी कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने आपको लास्ट क्लास में हमने मेटा सेंटर, सबमरीन की डिज़ाइन, सबमरीन की स्टेबिलिटी कंडीशन, पास्टली सबमर्ज बॉडी लाइक शिप वगैरह की स्टेबिलिटी कंडीशन के बारे में डिस्कस किया था, तो ये सब हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। मेटा सेंटर हमने निकाला था, एनालिटिकल मेथड से भी निकाला था, एक्सपेरिमेंटल मेथड से भी निकाला था, दोनों तरीके से मेटा सेंटर हाइट हमने कैलकुलेट करके आपको बताई थी, ये हम लोग ऑलरेडी इन अवर लास्ट क्लासेस वी कवर। तो जिन स्टूडेंट ने मेरे लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सब लोग जाके देख सकते हैं, यूट्यूब क्लासेस हैं, और आपको पता होना चाहिए कि आई एम गोइंग टू कवर द होल सिलेबस ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। तो अगर आपका छूट भी गया है तो आप इसको बैकअप कर लीजिए फटाफट, और फिर क्लासेस रेगुलरली आप लाइव में ज्वाइन कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, जो भी चाहिए वो मुझसे पूछ सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे जो हम डैम डिज़ाइन करते हैं या जो बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो इनके डिज़ाइनिंग कैसे होती है, ये प्रेशर फोर्सेस हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं, तो आज हम इन सब की बात करने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आएगा आपको कि देखिए बिल्डिंग्स की जो साइज़ है वो कैसे बढ़ती गई है ईयर बाई ईयर, और पहले क्या दिक्कत आती थी, अब क्या आती है जब डैम डिज़ाइन करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, सब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, आप देख सकते हो। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस कि क्या होता है। ओके सो देखिए होता क्या है, सिंपल सी बात है, अगर आप एक तरफ फ्लूइड भरते हो किसी भी स्ट्रक्चर के, एक तरफ फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, अभी लिक्विड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक तरफ, अभी मैं ओपन बोर्ड खोल रहा हूँ, सो मैं भूल गया था शायद। ओके चलिए, सो बेसिकली आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, ठीक है, तो पहले आपने देखा होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बने हुए, देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ब्लॉक वाइज ब्लॉक बनेगा, यहां पर आपका क्या बना हुआ है, दो बिल्डिंग्स जो है एक साथ खड़ी हुई है, इसको ट्विन टायर कहते थे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि बेसिकली ये डिजाइनिंग किस तरह से डेवलप हुई। तो क्या होता है, इंसान की हमेशा चाहत है कि वो लंबी से लंबी बिल्डिंग्स बनाए, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाए, लेकिन इंसान की ये चाहत में सबसे बड़ा रोड़ा जो अटकाता है वो ये है, ये इसे कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत पैदा करता है किसी भी बिल्डिंग की ऊंचाई को जनरेट करने। अब होता क्या है, मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग को ऊंचा बना रहे हो, ठीक है, तो होता क्या है कि जो एयर है वो कंटिन्यूअसली इस स्ट्रक्चर पर क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है, कंटिन्यूअसली इस स्ट्रक्चर पर क्या लगाती है, प्रेशर फोर्स लगाती है। ओके एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर फोर्स इस स्ट्रक्चर के बेस पर, इस स्ट्रक्चर के बेस पर क्या जनरेट होगा, एक टॉर्क जनरेट होगा, इस स्ट्रक्चर के बेस पर क्या जनरेट होगा, एक टॉर्क जनरेट होगा। अब जितना ऊंचा बिल्डिंग्स होता है उतना बड़ा टॉर्क होगा। अब यहां पर कंडीशन और खराब तब हो जाती है जब एयर जो है काफी हाई वेलोसिटी के साथ बिल्डिंग से टकराती है, और जब एयर बहुत हाई वेलोसिटी के साथ बिल्डिंग से टकराती है तो इट जनरेट सर्टेन फोर्स, क्योंकि एकदम से जब एयर बिल्डिंग से टकराई तो क्या करेगी, अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल जनरेट सर्टेन फोर्स,
एंड इस फोर्स की वजह से जो बेस है, बेस पर क्या आएगा, एक टॉर्क जनरेट होगा। अब अगर मुझे उस टॉर्क को रजिस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स की वजह से क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा। तो मैं चाहे कितनी भी अच्छी मटेरियल की बिल्डिंग बनाऊं, कितनी भी बढ़िया बिल्डिंग्स बनाऊं, कितनी भी अच्छी शानदार बिल्डिंग बना लूं, लेकिन अगर मैंने नीचे से सपोर्ट नहीं बनाया तो क्या होगा, ये जो बिल्डिंग है वो टॉपल कर जाएगी, ऐसे गिर जाएगी, लाइक दिस, ये बिल्डिंग टॉपल कर जाएगी, गिर जाएगी। तो ये जो बिल्डिंग है वो टॉपल ना करे, गिरे ना, उसके लिए कंसेप्ट जो इनिशियल आया वो ये है कि भाई बिल्डिंग को आप डायरेक्टली सरफेस से खड़ा करने की जगह आप क्या करते हो, पहले अंदर गड्ढा करते हो, बहुत सारा जमीन खोदते हो, फिर बिल्डिंग को उस गहराई से बनाना स्टार्ट करते हो। और जब आप ऐसा करते हो, इसका मतलब आप बिल्डिंग को नीचे से सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हो, और जब आप बिल्डिंग को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो तो आपकी जो बिल्डिंग है, इट कैन रजिस्टर टॉर्क, इट कैन रजिस्टर टॉर्क। ओके, तो होता क्या है, जितनी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स बनाओगे उतना ही ज्यादा टॉर्क बेस पे लगता है, उतना ही ज्यादा संभावना होगी बिल्डिंग के टॉपल करने की। तो जितना ऊंचाई की आप बिल्डिंग बनाते हो उतना ही ज्यादा टॉर्क लगता है। अब अगर आपको इस टॉर्क को रजिस्ट करना है तो और ज्यादा गहराई की आपको नींव खोदनी पड़ेगी, या और ज्यादा गहराई में आपको गड्ढा करना पड़ेगा। लेकिन आप जैसे जैसे गहराई में जाते हो, वैसे 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 जो वाटर का लेवल है वो आ जाता है, तो फिर और ज्यादा गहराई में आप जा नहीं सकते, उसका एक लिमिटेशन है। इसीलिए हम लोग और ज्यादा ऊंचाई तक बिल्डिंग्स नहीं बना पाए, एक टाइम के बाद, एक ऊंचाई के बाद हम अचीव कर पाए थ्रू दिस इन सिंपल डिजाइनिंग ऑफ नीम। उससे पहले तो हम इतनी भी ऊंचाई गेन नहीं कर पाए थे, 2 या 3 मंजिल के बराबर, इससे ज्यादा ऊंची इमारतें नहीं बनाई जाती थी, क्योंकि उससे ज्यादा ऊंची इमारतें मानी जाती थी कि वो गिर जाएगी जल्दी। तो जब ये नीम का कंसेप्ट आया कि भाई आप नीचे से गड्ढा करना स्टार्ट करो, सपोर्ट कर दो, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा ऊंची इमारत बना पाए। ओके, अब यहां पर कंसेप्ट एक और आता है, जो नीम का कंसेप्ट है वो समझ में आ गया आपको, या सुनो, अब क्या होगा, अब आपको और ऊंची इमारत बनानी है, अब क्या करें। तो फिर इंसान ने दिमाग लगाया कि यार मुझे बेस पर अगर सपोर्ट प्रोवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा, एक बीच में स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिसकी ऊंचाई मुझे बढ़ानी है, और साइड बाय साइड दूसरे स्ट्रक्चर बनाऊंगा जो कि इसको सपोर्ट करेंगे नीचे से। और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये बेसिकली इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि जो बीच वाला स्ट्रक्चर है उस पर जो टॉर्क आ रहा है उसको रजिस्ट कर सकें। इसी से यहां पर जो कंडीशन डेवलप हुई, आप देखिए, दिस इज कॉल्ड ट्यूब डिजाइनिंग, इसको कहते हैं ट्यूब डिजाइनिंग। तो ये ट्यूब डिजाइनिंग की जाती है, ठीक है, दिस इज नोन एज ट्यूब डिजाइनिंग। तो ये उस समय ट्यूब डिजाइनिंग डेवलप हुई टू इंक्रीज द हाइट ऑफ योर बिल्डिंग्स। तो ये उस समय का आर्किटेक्ट था, ठीक है, ठीक है, अभी ये 2000 का ही आर्किटेक्ट है, ठीक है। अब आप देख सकते हो ट्यूब डिजाइनिंग पे जो बिल्डिंग्स बनी हुई है, बेस में जो सपोर्ट करके भी बिल्डिंग बनी हुई, देखो ये बिल्डिंग्स भी बनी हुई है, ये बिल्डिंग भी ट्यूब डिजाइनिंग में, ये भी ट्यूब, ये भी ट्यूब, ये भी ट्यूब, ये भी उस समहाउ, और जो अभी तक का हाईएस्ट जो लेंथ आपने पाई वो भी आपने ट्यूब डिजाइनिंग से ही पाई है। तो ये जो ट्यूब डिजाइनिंग है इसका कंसेप्ट यही है कि जब आप नीम बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं खोद सकते, आप गड्ढा जब बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं कर सकते, तो आप नीचे नीचे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाते हो विच विल बेसिकली सपोर्ट द मेन स्ट्रक्चर, एंड दैट इज नोन एज ट्यूब डिजाइनिंग। ओके, बेसिकली सपोर्ट द मेन स्ट्रक्चर। अब मैंने सारी कहानी आपको क्यों बताई, मैंने सारी कहानी ये इसको इसलिए बताई है कि जब आप ऊंचाई बढ़ाने जाते हो, जब आप ऊंचाई बढ़ाने जाते हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एयर फोर्स। जो एयर हमें दिखाई नहीं देती उसके फोर्स की वजह से जो हमें यहां पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो मैंने आपको यहां पर समझाई। वो तो एयर हमें दिखाई भी नहीं देती तो हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ फेस करनी पड़ती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अवर स्ट्रक्चर विल बी लिमिटेड। हमारा हाइट ऑफ स्ट्रक्चर जो है एक लिमिटेड है। ओके, और ज्यादा बढ़ाना है तो फिर और बेस बढ़ाना पड़ता है, बेस पे और ज्यादा सपोर्ट देना पड़ेगा। ओके, तो उनकी बातें, अब उस डिजाइनिंग की बातें हम ज्यादा नहीं करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि जो एयर हमें दिखाई नहीं दे रही है, जिस एयर को हम ऐसे नॉर्मली काट दे सकते हैं, उस एयर के अंदर भी बिल्डिंग बनाने में हमें इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, हमें ट्यूब डिजाइनिंग करनी पड़ रही है, हमें बेस में ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ रहा है, सो दिस ऑल द ट्यूब डिजाइन। तो फिर यहां पर बात आती है वाटर की। वाटर एयर से 1000 गुना ज्यादा डेंस है, 1000 टाइम मोर डेंस। और अगर वाटर किसी बिल्डिंग पे, किसी स्ट्रक्चर पे टकराएगा, गुड इवनिंग रोहित कुमार,
अगर वाटर किसी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर पे टकराएगा तो जो वो फोर्स डेवलप करेगा दिस इज मोर देन 1000 टाइम ऑफ एयर, सो वो 1000 गुना ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एयर विल डेवलप द फोर्स। एंड यहां पर बात यह है कि एयर तो कभी कभार ही स्ट्रक्चर से टकराएगी जब उसकी वेलोसिटी हाई होगी, लेकिन जब डैम हम बनाते हैं तो कंटिन्यूअसली डैम वाटर के फोर्स को, प्रेशर को बैलेंस करता है। इसका मतलब ये जो वाटर है वो कंटिन्यूअसली इस पर स्ट्राइक करता रहता है, सो द डिजाइनिंग ऑफ द डैम विल बी वेरी डिफिकल्ट। और जो हमें डैम बनाने होते हैं माय डियर, वो मिनिमम हाइट बनती है 30 मीटर। 30 मीटर से अगर नीचे हाइट है तो उसको डैम नहीं, बैराज कहते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप नहीं कर सकते। इतना कम रिजर्वायर की हाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हमें 30 मीटर से ऊपर हमें डैम बनाना पड़ता है। इतना ज्यादा हाइट पर हमें डैम बनाना पड़ता है, और जो यहां पर फोर्स आ रहे हैं विच इज मोर देन 1000 ऑफ द फोर्स विल कम बिकॉज ऑफ एयर। तो जो डैम की डिजाइनिंग है ना मुन्ना, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू ये जो बिल्डिंग डिजाइन तुम देख रहे थे, इससे भी खतरनाक स्ट्रक्चर यहां पर तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि आप देख सकते हो ये जो डैम बनाया जाता है, इस डैम को बनाने में पहली बात तो ये इतना सारा पानी को ये रोक रहा है, दूसरी बात ये है कि डैम के ऊपर से व्हीकल पास होते हैं कंटिन्यूअसली। डैम जो है किसी ऐसी जगह जहां बनाया जाता है जहां पर बेसिकली लिंकेज होता है, तो इसमें एज ए पुल भी बनाया जाता है, तो लगातार हैवी हैवी व्हीकल इससे पास होने हैं। और जब कभी कभार डैम खोलोगे, पानी को पास करोगे, तो बहुत ऊंचाई से पानी डैम के बेस पर गिरेगा, जिसकी वजह से बहुत हाई फोर्स डेवलप होंगे, और इस वजह से हो सकता है कि वहां पर वाइब्रेशन क्रिएट हो। उस वाइब्रेशन के अंदर भी डैम का जो स्ट्रक्चर है उसको खड़े रहना है, और आज नहीं कल नहीं 100 सालों तक, आने वाले 100 सालों तक उसको खड़े रहना है, क्योंकि अगर डैम टूट गया तो काफी ज्यादा जान और माल का नुकसान होने वाला है। तो कैसे इसको डिजाइन करेंगे, क्या यह हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स है, यह चीज आज हम समझेंगे। इसके बारे में हम समझेंगे कैसे यह डिजाइनिंग की जाती है, क्या डैम का डिजाइनिंग होगा, हाउ वी विल डू दिस इम्पॉसिबल टास्क वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टूडे। ओके, और इसी का नाम है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या प्लेन प्रेशर फोर्स ऑन द प्लेन सर्फेस। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, आई होप यू अंडरस्टैंड रोहित, जो मैं बता रहा हूँ समझ में आई बात। सो एक छोटी सी बात समझते हैं कि अब ये डैम इस फोर्स को कैसे बैलेंस करेंगे। देखो मजेदार चीज, देखो ये चीज जो है ना, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, ना तो किसी बुक में इतना आराम से तुम्हें मिलेगा, ना ही किसी और चीज में, तो इसलिए बोल रहा हूँ शांति से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए। तो डैम में होता क्या है, डैम का काम है लगातार फ्लूड को एक सरफेस पर रोकना। अब फ्लूड जब एक तरफ फ्लूड होता है, एक तरफ नहीं होता, तो उसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है ऑन द सरफेस। एंड द प्रेशर का जो नेचर होता है, इट्स ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, तो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही लगता है प्रेशर। तो बेसिकली होता क्या है, क्योंकि एक तरफ आपका फ्लूड है, दूसरी तरफ फ्लूड नहीं है, तो फ्लूड की वजह से इस सरफेस पर लगातार प्रेशर फोर्स लगते हैं। ओके, और चूंकि यहां से जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी, ये प्रेशर बढ़ता जाता है, ये प्रेशर यहां पर इंक्रीज होता चला जाता है। और ये जो प्रेशर है, ये लगातार डैम की सरफेस पर लगने वाला है। और डैम की जो हाइट है, जैसे कि सरदार सरोवर डैम है 100 मीटर, 120 मीटर, बहुत हाई हाइट रखी जाती है। ओके, अब इतनी हाई हाइट है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा होगा तो बेस पर जो टॉर्क आ रहा है वो भी ज्यादा होगा। अब अगर मुझे इस प्रेशर को बैलेंस करना है, तो मैं क्या करता हूं यहां पर, कि जो कंक्रीट लगाता हूं डैम में, मैं उसी फेस में उसी तरीके से लगाता हूं जैसे प्रेशर डेवलप हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पर है, बेस पर, तो फिर मैं सबसे ज्यादा कॉन्क्रीट कहां लगाऊंगा, बेस पर लगाऊंगा। सबसे ज्यादा कॉन्क्रीट मैं कहां लगाऊंगा, बेस पर लगाऊंगा। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉन्क्रीट मैं कहां लगाऊंगा, बेस पर लगाऊंगा। अब अगर मैं सबसे ज्यादा कॉन्क्रीट बेस पर लगा रहा हूं, तो इट कैन रजिस्ट द हाई प्रेशर एट द बेस, और सबसे कम प्रेशर या ना के बराबर जो प्रेशर होता है वो टॉप पर होता है। तो कंस्ट्रक्शन कोर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम ऊपर जो टॉप पर कंक्रीट लगाएंगे, इट विल बी लेस देन जो कंक्रीट हम यूज करेंगे एट द बेस। तो डैम का जो सरफेस होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो किस तरह से बनना है, और इस डैम की जो सरफेस पर प्रेशर आएंगे, दैट यहां पर होगा P इक्वल टू जीरो, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो यहां पर होगा P रो जी एच के बराबर, और ये प्रेशर इस तरह से वेरी करेगा थ्रू आउट दिस सरफेस।
तो यहां पर प्रेशर जीरो होगा और नीचे आपका रो जी एच होगा। ये प्रेशर यहां पर लगातार ऐसे वेरी करता जाता है। ओके, सो लगातार यहां पर आपका प्रेशर वेरी करता जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। रोहित समझ में आ रही बात बेटा? रोहित बात समझ में आ रही है या सोनू? तो यहां पर लगातार आपका प्रेशर क्या है, इस तरह से वेरी करता है। ओके, तो इसी वजह से अगर आप कोई भी डैम देखोगे तो ये देखना हमेशा, उसमें एक चीज नोट करोगे कि जो बेस होता है वो ज्यादा चौड़ा होता है एज कंपेयर टू देखिए आप बेस देखिए कितना ज्यादा चौड़ा है। देखिए यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो बेस देखिए कितना ज्यादा चौड़ा है, बेस काफी ज्यादा चौड़ा है और जो टॉप है वो बहुत ही सकरा है। एज कंपेयर टू बेस द टॉप इज वेरी नेरोवर। तो एक्चुअली क्या है कि बेस पर ज्यादा फोर्स आते हैं तो हम कॉन्क्रीट ज्यादा बेस पर ही लगाते हैं। इसका मतलब डैम ऐसे वाइड होगा एट द बेस, बिकॉज ज्यादा प्रेशर फोर्स कहां पर आएगा, बेस पर आएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो ये जो प्रेशर है यहां पर जीरो है, यहां पर क्या है, रो जी एच, एंड दिस प्रेशर इज कंटिन्यूसली वेरी फ्रॉम जीरो टू रो जी एच। ओके, तो ये प्रेशर यहां पर इस तरह से वेरी करता है। ओके, सो जब भी डैम डिजाइन किया जाता है तो इस तरह से डिजाइन किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब बेसिकली जो फोर्स होगा वो डैम को कैसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, इस पॉइंट के अबाउट डैम को। अगर मान लीजिए ये इसका सेंटर है, डैम का जो मटेरियल है इसका सेंटर यहां है, तो बेसिकली जो यहां पर नेट फोर्स लगेगा, इट विल ट्राई टू रोटेट द डैम इन दिस डायरेक्शन, दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट वॉट हैपन है या इस पॉइंट के अबाउट देखिए कि इस पॉइंट के अबाउट बेसिकली जब डैम को रोटेट करना चाहेगा तो किस पॉइंट के अबाउट करना चाहेगा, इस पॉइंट के अबाउट। तो इस पॉइंट के अबाउट ये जो फोर्स है वो इसको ऐसे रोटेट करना चाहेगा क्लॉकवाइज। बट चूंकि आपका जो डैम है वो आपने इस तरह से बनाया तो डैम का जो एमजी लगेगा, वेट लगेगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, विच विल जनरेट अ कपल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहां पर जो डैम का वेट होगा दैट विल बी वेरी हाई। तो यहां पर बेसिकली जो डैम का वेट है वो बेसिकली इस फोर्स से, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स से जो मूवमेंट जनरेट हो रहा है एट द बेस उसको रजिस्ट कर लेता है। तो डैम के अंदर जो वेट होता है, डैम का जो वेट होता है, जो डैम आप बना रहे हो तो उसके मटेरियल का जो वेट होता है, इट विल बैलेंस दिस कपल एट द बेस ऑफ द डैम। जबकि आपको याद होगा बिल्डिंग्स में हमने क्या किया था, बिल्डिंग्स के अंदर हम लोगों ने क्या हुआ था कि बेसिकली बेस पर कपल आ रहा है बिकॉज ऑफ द नेट फोर्स डेवलप बाय द एयर, एयर यहां पर टकराएगी और उसकी वजह से एक नेट फोर्स डेवलप होगा। एंड यहां पर जो कपल आता है या जो भी टॉर्क आता है दैट विल बी रजिस्टर्ड बाय, या तो आप अंदर की तरफ नीम खोद देते हो, गड्ढा कर देते हो, या फिर आप साइड बाई साइड एक छोटी छोटी बिल्डिंग्स बना देते हो टू प्रोवाइड सम सपोर्ट टू रजिस्ट दिस टॉर्क। बट यहां पर जो डैम का वेट है वही इस टॉर्क को रजिस्ट कर लेता है। दैट इज द वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन ऑफ द डैम। इस वजह से जो डैम है, डैम के अंदर गड्ढा खोदना या नीम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि डैम का वेट इसको बैलेंस कर लिया। इसलिए डैम बनाते समय नीम खोदने की जरूरत नहीं पड़ती, नीचे से स्ट्रक्चर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहली बात तो उठाने की जरूरत नहीं पड़ती और उठा भी नहीं सकते, क्योंकि जहां पर आप नीम खोदोगे डैम बनाने के लिए वहां पर बेसिकली ऑलरेडी नदी बह रही है, तो वहां पर जो वाटर का लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो बहुत हाई होता है। तो जो आप नीम खोदते हो तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, वो ऐसे खुद ही नहीं पाए। तो यहां पर जो डैम का वेट होता है बेसिकली वही टॉर्क को रजिस्ट कर देगा, इस वजह से ये काम हो जाता है। ओके, चलो बिल्डिंग्स में भी हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्डिंग्स में भी हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग्स में प्रॉब्लम यह है कि दोनों तरफ से फोर्स आएगा, इधर से भी एयर आके टकरा सकती, इधर से भी। डैम में तो आपको पता है कि जिधर से आपने पानी रोका है, जिस तरह सरफेस पर आपने वाटर रोका है उसी तरफ से फोर्स आएगा, जिधर वाटर ही नहीं है वहां से कोई फोर्स नहीं आएगा। तो आप इस तरह की डिजाइनिंग कर सकते हो, बट इन केस ऑफ बिल्डिंग्स यू कांट डू दिस,
सो दिस इज द प्रॉब्लम बिटवीन डिफरेंस बिटवीन अ बिल्डिंग यू आर गोइंग टू डिजाइन एंड डैम यू आर गोइंग टू डिजाइन फॉर पर्टिकुलर थिंग. सो यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, अब यहीं से जन्म होगा उस टॉपिक का जिसका नाम है हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन प्लेन सरफेस. तो यहां पर हम हेडिंग डाल रहे हैं हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस ऑन प्लेन सरफेस. सो यहीं से उस टॉपिक का जन्म होगा. बेसिकली आपको डिजाइन समझ में आ गई. एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया है, यहां पर एक एक पॉइंट से मैंने आपको डिजाइन समझाया है. आई होप यू अंडरस्टैंड. जितने भी लोग हैं चैट में बता सकते हैं आपको डिजाइन समझ में आई, यस और नो. तो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन प्लेन सरफेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. सो मैंने बोला हाइड्रोस्टेटिक फोर्स कब आते हैं, जब एक तरफ जो सरफेस है वो एक तरफ फ्लूड है एक तरफ फ्लूड नहीं है. तो हम यहां पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स की डेफिनेशन लिखेंगे. आप इसको लिख सकते हो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स की डेफिनेशन लिखेंगे. हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, तो उसकी डेफिनेशन हम यहां पर क्रिएट करते हैं, ठीक है. तो द फोर्स एग्जर्टेड बाय द स्टैटिक फ्लूइड, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द स्टैटिक फ्लूइड, एग्जर्टेड बाय द स्टैटिक फ्लूइड, बाय द स्टैटिक फ्लूइड, इसको लिख सकते हो आप स्टैटिक फ्लूइड, फ्लूइड व्हेन बॉडी एक्सपोज, व्हेन अ बॉडी इज एक्सपोज टू, एक्सपोज टू इट, दैट इज कॉल्ड अ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स. अब नेक्स्ट आता है यहां पर सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेंटर ऑफ प्रेशर. सो मैंने भी आपको बताया कि बेसिकली जो डैम की सरफेस पर इस प्रेशर की वजह से फोर्स डेवलप होगा, बिकॉज वन साइड वी हैव अ फ्लूड अदर साइड वी डोंट हैव एनी फ्लूड, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स. अब होता क्या है कि ये जो फोर्स लग रहा है वो सब पैरेलल सिस्टम है, ठीक है. यहां पर जो फोर्स है वो इस तरह से वेरी कर रहा है, यू नो दैट, इस तरह से वेरी कर रहा है. ओके, तो यहां पर इस सरफेस पर बहुत सारा प्रेशर इस तरह से वेरी कर रहा है. तो हम ये चाहते हैं कि ये जो वेरिएशन है इसको हटा के केवल एक फोर्स लगा दिया जाए, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ या एफ नेट या टोटल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स. तो ये हम चाहते हैं कि ये जो वेरिएशन उसको हटा के एक फोर्स लगा दिया जाए, और वो एक फोर्स जहां पर लगेगा, एक फोर्स जहां पर लगेगा दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर. तो जहां पर टोटल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स, ये जितने भी प्रेशर फोर्स आ रहे हैं सरफेस पर, इनको हटा के अगर एक फोर्स लगा दिया जाए या रिजल्टेंट फोर्स लगा दिया जाए, तो जहां पर लगेगा दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर. तो ये जान कर रखना, सेंटर ऑफ प्रेशर वो लोकेशन होती है जहां पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स का रिजल्टेंट एक्ट करता है. जहां पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स का रिजल्टेंट एक्ट करेगा दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर. अगर आपको डैम का डिजाइनिंग करना है तो आपको दो चीज पता होना चाहिए, एक तो एफ नेट कितना इस सरफेस पर फोर्स आ रहा है, और दूसरा ये जो एफ नेट है वो कहां पर लग रहा है. तो यू शुड नो टू थिंग, वन इज नेट फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नेट फोर्स, एंड सेकंड वेयर इज द सेंटर ऑफ प्रेशर विल कम. तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस इज नोन एज वाई. तो इसको कहते हैं हम y. दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस. सो इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस. तो अगर हमें डैम की डिजाइन करनी है, अगर हमें किसी भी हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रक्चर की डिजाइन करनी है, लाइक गेट की डिजाइन करनी है जिसपे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स आ रहा है, तो हमें यहां पर केवल दो चीज पता होना चाहिए कि इसके ऊपर जो लगने वाला नेट हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है वो कितना है और वो कहां लग रहा है. और जहां लग रहा है उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, और उसकी डिस्टेंस फ्री ऑफ सरफेस से कहलाती है वाई. तो अगर आपको ये दो चीज पता चल गई तो काम बन जाएगा. तो अब देखते हैं ये दो चीज हम कैसे पता करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड. तो इसके लिए हम यहां पर अलग अलग केस लेंगे. तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेंटर ऑफ प्रेशर. तो यहां पर मैं सेंटर ऑफ प्रेशर की डेफिनेशन भी लिख देता हूं गाइस. सेंटर ऑफ प्रेशर,
तो यहां पर सेंटर ऑफ प्रेशर की मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, तो इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच द टोटल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स इज सपोज टू बी एक्टिंग, एक्चुअली में एक्ट नहीं हो रहा है, हमने माना है कि वहां पर टोटल फोर्स आ रहा है एक्टिंग, सपोज टू बी एक्टिंग, ओके. सो नाउ दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर. तो आप चाहो तो ये डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच द टोटल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स इज सपोज टू बी एक्टिंग. यू आर सपोजिंग कि वहां पर टोटल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगेगा, जितने भी प्रेशर फोर्स है उनका रिजल्टेंट वहां पर लगेगा, ये ऐसा आप मान रहे हो. ओके, सो दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर. अब देखिए कहानी कैसे स्टार्ट होती है. तो अब यहां पर मैं अलग अलग केस लूंगा, एक एक केस पर मैं डिस्कशन करूंगा. तो केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है. केस नंबर फर्स्ट में हम एक लेंगे वर्टिकल प्लेन सरफेस, सो इन द केस नंबर फर्स्ट विल टेक वर्टिकल प्लेन सरफेस. सो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर एक तरफ फ्लूड भरा होगा और एक तरफ फ्लूड नहीं भरा होगा, उसकी वजह से ही इसके ऊपर क्या आएगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स आएगा. इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं मैं. लाइक दिस, ये हमारी क्या है, फ्री सरफेस. उल्टे तो इससे बना रहा हूं, फ्री सरफेस आप सब जानते हो ना, जहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर लगता है, ठीक है, दैट इज नोन एज फ्री सरफेस. अब यहां पर क्या होगा, इस प्लेन सरफेस पर जो फोर्स आएगा या प्रेशर आएगा वो इस तरह से वेरी करेगा. सबसे ज्यादा कहां पर होगा, बेस पर होगा, बेस पर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि बेस पर सबसे ज्यादा डेप्थ है, तो बेस पर सबसे ज्यादा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स आएगा. एंड द वैल्यू ऑफ दिस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स एट द बेस विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगी, रो जी कैपिटल एच के बराबर, ठीक है. यहां तक क्लियर है, यहां पर प्रेशर है पी टू इक्वल टू रो जी कैपिटल एच. यहां पर जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, जीरो है. देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ऊपर और नीचे सेम मैग्नीट्यूड में आएगा, तो वो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाना है. सो वी आर नॉट कंसीडरिंग एक्चुअली अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, इतनी बात समझ में आ गई. यहां पर एक तरफ फ्लूड भरा हुआ है और दूसरी तरफ कोई फ्लूड नहीं, लाइक दिस. अब क्या है, मुझे यहां पर लगाना है कि इस प्रेशर की वजह से इस वर्टिकल सरफेस पर कितना नेट फोर्स आता है, उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है कि इस प्रेशर की वजह से इस वर्टिकल सरफेस पर जो नेट फोर्स आएगा मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो. मुझे क्या निकालना है कि इस प्रेशर की वजह से इस वर्टिकल सरफेस पर जो नेट फोर्स आएगा उसकी वैल्यू निकालनी. तो बहुत सिंपल है कि यार यहां पर जो प्रेशर है वो तो लीनियरली वेरी कर रहा है, जीरो टॉप पर है और बेस पर जो है रोजी एच है, मैक्सिमम है. तो अगर हम एक काम कर दें कि जो प्रेशर है इसको कांस्टेंट अज्यूम कर लें, मतलब इसको कांस्टेंट मान लें, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस प्रेशर के वेरिएशन को हटा के यहां पर एक कांस्टेंट प्रेशर माने तो वो कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, दैट कांस्टेंट प्रेशर बिकम क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट प्रेशर दैट इज नोन एज, उस प्रेशर को क्या बोलोगे आप, उसको बोलोगे ना एवरेज प्रेशर. कि अगर मैं इस वेरिएशन को हटा के यहां पर एक कांस्टेंट प्रेशर अज्यूम कर लूं तो वो प्रेशर कौन सा होगा, दैट विल बी द एवरेज प्रेशर. वो कौन सा प्रेशर होगा, एवरेज प्रेशर. तो अगर मैं यहां पर इस वेरिएशन को हटाऊं और यहां पर एक कांस्टेंट प्रेशर अज्यूम कर लूं तो दैट विल बी अ एवरेज प्रेशर. इसका मतलब आई कैन अज्यूम अ कांस्टेंट प्रेशर थ्रू आउट द सरफेस एंड दैट विल बी आर एवरेज प्रेशर. वो कौन सा प्रेशर हो जाएगा, एवरेज प्रेशर हो जाएगा. और एवरेज प्रेशर वो होगा जो पूरी सरफेस पर क्या है, कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट होल सरफेस, दिस विल बी द एवरेज प्रेशर. अब माय डियर बहुत सिंपल है कि इस प्रेशर की वजह से जो टोटल फोर्स आएगा, दैट टोटल फोर्स या नेट फोर्स कैन आई राइट, इस प्रेशर की वजह से टोटल फोर्स आएगा ऑन दिस सरफेस, दैट इज एवरेज प्रेशर इन टू एरिया ऑफ दिस प्लेट. भाई नेट फोर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां का एवरेज प्रेशर इनटू एरिया डायरेक्टली लिख सकता हूं, द एवरेज प्रेशर इनटू एरिया विल बी द नेट फोर्स ऑन दिस सरफेस. सो माय डियर
अब ये एवरेज प्रेशर क्या होगा? दिस एवरेज प्रेशर विल बी पी मिनिमम प्लस मैक्सिमम प्रेशर बाय टू, यही होता है एवरेज, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय टू। तो यहां पर मैक्सिमम प्रेशर ऑन द सरफेस कितना है, रो जी कैपिटल एच, और मिनिमम प्रेशर कितना है, जीरो बाय टू। तो जो एवरेज प्रेशर निकल के आएगा फॉर दिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेट, दिस विल बी रो जी एच बाय टू। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो यहां पर जो एवरेज प्रेशर निकल के आता है दैट विल बी इक्वल टू रो जी एच बाई टू। तो ये एवरेज प्रेशर यहां पर निकल के आएगा। सो इस एवरेज प्रेशर से जो नेट फोर्स बना, दैट नेट फोर्स इज मस्ट बी इक्वल टू एफ नेट इक्वल टू, एवरेज प्रेशर कितना निकाला, रो जी एच बाई टू इन टू एरिया। अब ये रो जी जो होता है इसको कहते हैं हम स्पेसिफिक वेट, और इसको हम स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल डब्ल्यू हेयर विल बी स्पेसिफिक वेट रो इन टू जी। तो ये एफ नेट को हम लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू एरिया एच बाई टू। और ये एच बाई टू क्या होगा, अगर ये रेक्टेंगुलर प्लेट है तो एच बाई टू क्या होगा, दैट विल बी द सेंटर या सेंट्रोइड होगा, द सेंटर सेंट्रोइड ऑफ दिस फिक्स प्लेट या फिक्स सरफेस का जो सेंट्रोइड होगा दैट विल बी द एट हाफ डिस्टेंस। तो ये जो सेंट्रोइड होता है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस कैन बी राइट एज एक्स बार। तो यहां पर ये एच बाई टू क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स बार, दैट इज द सेंट्रोइड ऑफ दिस फ्री सरफेस। तो ये जो एफ नेट आएगा फॉर दिस प्लेट सरफेस कितना हो जाएगा, रो ए एक्स बार या डब्ल्यू ए एक्स बार, दैट इज द एफ नेट फोर्स ऑन दिस वर्टिकल प्लेट। दिस विल बी इक्वल टू रो ए एक्स बार एंड दिस इज द एफ नेट फोर्स ऑन दिस वर्टिकल प्लेट। माई डियर फ्रेंड, दैट वॉज अ वेरियस सिंपलेस्ट डेफिनेशन या डेरिवेशन विच आई कैन डू फॉर दिस फ्लेट प्लेट और रेक्टेंगुलर फ्लेट प्लेट। तो इस तरह से हमारा एफ नेट निकलता है। ओके, एफ नेट इस तरह से हमारा निकलता है, दैट विल बी आर एफ नेट। ओके, तो ये एक्स बार क्या होगा, इस एक्स बार इज अ डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस से जो डिस्टेंस होता है सेंट्रोइड का, दैट विल बी योर एक्स बार। तो अगर हमारे पास कोई भी ज्योमेट्री है तो उसका जो सेंट्रोइड होगा वो यहां पर आएगा, एरिया यहां पर आएगा, डब्ल्यू क्या होगा, स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड। तो इस तीन वैल्यू से हम लोग उस सरफेस पर आने वाला नेट फोर्स डिटरमाइन कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब नेट फोर्स तो हमने निकाल लिया, अब हमें चाहिए कि ये क्या है, ये नेट फोर्स है कहां पर लग रहा है, ये क्या है हमारा सेंट्रोइड है, दिस इज सेंट्रोइड। देखिए इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्या है सेंट्रोइड, सेंट्रोइड जानते हैं ना आप लोग, सेंट्रोइड एडीए का जो सेंटर होता है दैट इज नोन एज सेंट्रोइड। उसके बाद होता है हमारे पास सेंटर ऑफ प्रेशर, दैट इज डिफरेंट पॉइंट, सेंटर ऑफ प्रेशर अलग है, सेंट्रोइड अलग है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर की जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम फ्री सरफेस दिस इज नोन एज वाई। अब इतना तो साफ है कि ये जो y होगा दैट विल बी द मोर देन x बार, क्योंकि जो y होता है वो इस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर है। अब इस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन में साफ नजर आ रहा है कि जो प्रेशर है इट इज मोर एट द बेस एंड लेस एट द टॉप, एंड दैट्स व्हाई दिस y विच इज मोर देन x बार, x बार इज द डिस्टेंस, इट इज द मिडिल पॉइंट। सो ये y जो होगा वो x बार से ज्यादा होगा। तो यहां पर जो y है उसका डेरिवेशन हम करते हैं वो यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे x बार प्लस यहां पर आएगा आई जी जी अपॉन ए एक्स बार, दैट इज द y, दिस इज द y, x बार प्लस आई जी जी अपॉन ए एक्स बार, दैट इज द y। तो ये होता है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस से जो सेंटर ऑफ प्रेशर की डिस्टेंस होगी जहां पर नेट फोर्स लगेगा,
जो सेंटर ऑफ प्रेशर की डिस्टेंस होगी जहां पर नेट फोर्स लगेगा उसकी डिस्टेंस है ये, जहां पर नेट फोर्स लगेगा उसकी डिस्टेंस है ये। तो इस पॉइंट पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? टोटल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज एफ नेट। सो एफ नेट विल बी इक्वल टू यहां पर क्या होगा, एक्स बार प्लस आई जी जी अपॉन ए एक्स बार। अब इस आई जी जी को हम समझते हैं माय डियर फ्रेंड, ये हमारी प्लेट है, तो ये हमने साइड से देखी तो प्लेट हमको ऐसे दिखाई देगी, ये प्लेट की थिकनेस हमें सामने से साइड से दिखाई देगी। अगर हम आगे से प्लेट को देखें तो हमें प्लेट का फेस दिखाई देगा, ओके। तो प्लेट कुछ ऐसे दिखाई देगी, बीच में प्लेट का क्या होगा, सेंटर। सेंटर से जो एक्सिस पास होती है, सेंटर से जो एक्सिस पास होती है उसको कहते हैं जी जी एक्सिस, इसको कहते हैं जी जी एक्सिस। ये जो पास हो रही है एक्सिस, यहां पर ही कहीं सेंटर होगा, तो ये जो एक्सिस पास होती है दैट इज कॉल्ड जी जी एक्सिस, और इसको कहते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस, ओके। तो ये जो एक्सिस पास होती है दैट इज नोन एज सेंट्रोइडल एक्सिस। अब ये जो प्लेट होती है उसका विड्थ है और ये प्लेट का हाइट है, तो यहां पर जो आई जी जी होगा दैट आई जी जी एक्सिस के पैरेलल वाली लेंथ विड्थ होती है और परपेंडिकुलर सेंट, दिस विल बी योर आई जी जी। तो वाई इक्वल टू एक्स बार प्लस आई जी जी अपॉन ए एक्स बार। तो यहां पर हमने दोनों चीज निकाल ली कि जो एफ नेट है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी है उसकी वैल्यू है, यहां पर साफ निकाल ली हमने। सो एफ नेट है हमारे पास कितना है, डब्ल्यू एक्स बार। कहां लग रहा है ये, कहां लग रहा है, तो ये लग रहा है भाई, अगर फ्री सरफेस यहां है तो फ्री सरफेस से जो डिस्टेंस है दैट इज वाई, भाई वाई डिस्टेंस पर लग रहा है। तो ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ओके। तो ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है। दैट वाज अ केस फर्स्ट फॉर वर्टिकल प्लेट। तो मैं वापस आपको बताता हूं, मैंने भाई वर्टिकल प्लेट लिया, इनिशियल में मैंने क्या किया, वर्टिकल प्लेट लिया, ठीक है। अब मैंने देखा कि जो प्रेशर था दिस इज वेरियस लीनियरली, जीरो टॉप पर है, बेस पर क्या है, रोजी एज मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर मुझे इस प्रेशर से लगने वाला टोटल फोर्स निकालना है तो क्यों ना इस प्रेशर को कांस्टेंट अज्यूम कर लो, एंड दैट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज पी एवरेज, ओके। और इस पी एवरेज को अगर प्लेट के एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल फोर्स आ जाएगा मेरा बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर। तो मैंने क्या किया, पी एवरेज निकाला। पी एवरेज क्या होता है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय टू, मिनिमम टॉप पर जीरो है, मैक्सिमम नीचे रो जी एच है, तो इससे हमारा एवरेज प्रेशर आ गया, ठीक है। और एवरेज प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास नेट फोर्स आ गया। अब यहां पर देखा तो रो जी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वेट, तो मैंने स्मॉल डब्ल्यू लिख दिया। एरिया क्या है, प्लेट का एरिया, और एच बाई टू क्या होगा, प्लेट की हाफ डिस्टेंस, और प्लेट की हाफ डिस्टेंस अगर रेक्टेंगल है तो क्या कहलाता है, सेंट्रोइड। तो इसका मतलब ये एक्स बार क्या होगा, सेंट्रोइड होगा। तो यहां एफ नेट एक्स बार, एक्स बार क्या होगा, इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम द फ्री सरफेस। जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो भी यही आएगा, सो इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम फ्री सरफेस। तो इस फॉर्मूले से वी कैन गेट अ टोटल नेट फोर्स विच विल कम ऑन द वर्टिकल सरफेस। उसके बाद हमने देखा जो वाई है, वाई क्या है, वो डिस्टेंस जहां पर ये टोटल नेट फोर्स लगेगा, इसका मतलब इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, लेकिन ये कहां से है, फ्री सरफेस से है। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस होगी इट इज मोर देन हाफ। क्यों मोर देन हाफ होगी, क्योंकि भैया जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें प्रेशर सबसे ज्यादा बेस पर है, तो इस वजह से जो उसका सेंटर आएगा वो बेस की तरफ ही शिफ्ट होगा, तो एक्स बार प्लस में कुछ होगा। तो जब हम डिराइव करते हैं तो यहां पर एक क्वांटिटी आ जाती है आई जी जी अपॉन ए एक्स बार, तो ये हो जाता है वाई, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये दो पॉइंट यहां पर बहुत क्लियर है, जी जी एक्सिस मतलब मैंने बता दिया इट इज नोन एज सेंट्रोइडल एक्सिस। तो सेंटर से पास होने वाली और प्लेट को दो हाफ में जो डिवाइड करती है दैट इज नोन एज सेंट्रोइडल एक्सिस, और इसके थ्रू जो आई आएगा दैट इज बी एच क्यूब बाई ट्वेल्व, वेरी सिंपल। तो यहां से वाई हम निकालेंगे, एरिया क्या है, प्लेट का एरिया बी इंटू एच
एरिया क्या है, प्लेट का एरिया। एक्स बार क्या है, इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम द फ्री सर्फेस। तो इस तरह से हम लोग यहां पर क्या निकाल सकते हैं, इस तरह से हम लोग यहां पर वाई निकाल सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, यस और नो बताओ कमेंट बॉक्स में। एनीबडी यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं? तो ये मेरा केस फर्स्ट था जिसकी बात करी हमने, एक वर्टिकल प्लेट की। अब हम बात करेंगे केस सेकंड, जहां पर हम हॉरिजॉन्टल प्लेट लेंगे या हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस लेंगे। एनीबडी इन द कमेंट बॉक्स कैन कमेंट, ओके हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस में क्या होगा देखते हैं हम लोग। हमारे पास जो फ्री सरफेस है वो ये है भाई, भाई ये वाटर की सरफेस बना रहा हूं मैं। कोई भी हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस क्या होगी, कुछ इस तरह से होगी। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये जो है, दिस इज नॉन हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। अब यहां पर बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आएगी। पहली इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसकी डिस्टेंस टॉप से फिक्स है भाई। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है सो टॉप से जो डिस्टेंस होगी ईच एच एंड एवरी पॉइंट, यस हाउ डू आई गेट सीओपी रजिस्ट्रेशन नंबर। बेटा रजिस्टर करोगे सीओपी पे, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए, रजिस्टर ऑन सीओपी, देन यू विल गेट अ रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके रजिस्ट्रेशन नंबर, यू विल गेट अ रजिस्ट्रेशन नंबर व्हेन यू रजिस्टर ऑन द सीओपी। ओके वहां पर आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन, तो जाओ न्यू रजिस्ट्रेशन करो, वहां पर गेट का स्कोर कार्ड डालो, नाम डालो, रोल नंबर डालो, ठीक है, तो वहां पर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर डेवलप हो जाएगा। ओके फिर उसके साथ आपको काउंसलिंग करनी है, तो अपना रोल नंबर डालो, उससे हो जाएगा अपना। वहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन में जाइएगा तो जैसे अपन ईमेल आईडी बनाते समय करते हैं वैसे करना है। ओके चलिए, सो अगर ये प्लेन सरफेस है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम दैट फ्री सरफेस वो फिक्स होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट इस सरफेस पे जो लगने वाला प्रेशर है दैट विल नॉट वेरी। क्योंकि जब डिस्टेंस ही फिक्स है, और प्रेशर कैसे वेरी करता है, प्रेशर डेप्थ के साथ वेरी करता है, और जब इस प्लेन सरफेस का डेप्थ कांस्टेंट है तो हर एक पॉइंट पर ऑन दिस प्लेन सरफेस द प्रेशर विल बी सेम माय डियर। और अगर प्रेशर सेम होगा तो फिर यहां पर एवरेज निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जब प्रेशर ही सेम है तो फिर यहां पर एवरेज निकालने की क्या जरूरत, क्योंकि यहां पर प्रेशर सब जगह सेम होगा, दैट प्रेशर विल बी इक्वल टू इसके बराबर होगा रो जी एच के बराबर, दैट प्रेशर विल बी इक्वल टू रो जी एच के बराबर। ध्यान रखना हम बात करें सरफेस की, सो इट इज अ प्लेन सरफेस, सो इसका जो सेंटर है, सेंट्रोइड है, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस क्या होगा, एक्स बार होगा, दैट इज इक्वल टू एच, और इन सब प्रेशर का जो सेंटर आएगा वो भी मिडिल में आएगा, क्योंकि यहां पर जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो क्या है, वो क्या है आपका कांस्टेंट है, तो जो आपका एफ नेट आएगा दैट विल बी एक्ट एट द सेंटर। तो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस लाइक वाई, तो यहां पर वाई और एक्स बार क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, वाई और एक्स बार क्या हो जाएगा यहां पर सेम हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली प्रेशर तो यहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, तो उसका जो सेंटर होगा वो भी मिडिल में आएगा, और y क्या है, उस प्रेशर के जो फोर्स लग रहा है उसी का सेंटर है, तो ये जो डिस्टेंस है वो फ्री सरफेस से क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो यहां पर y और x बार क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में यहां पर जो f नेट है, तो f नेट नेट फोर्स क्या होगा, दैट इज जो टोटल प्रेशर लग रहा है रो जी एच इन टू इस प्लेट का एरिया, और ये जो एच है और एक्स बार है सेम है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं डब्ल्यू एक्स बार लिख सकते हैं, तो यहां पर भी जो एफ नेट लग रहा है दैट कैन ऑल्सो बी राइट एज डब्ल्यू एक्स बार, दैट ऑल्सो बी राइट एज डब्ल्यू एक्स बार।
दैट कैन ऑल्सो बी राइट एज डब्ल्यू एक्स बार. ओके आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. तो एफ नेट ऑन दिस हॉरिजॉन्टल प्लेट डब्ल्यू एक्स बार के बराबर होगा और वाई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एक्स बार के बराबर. दिस इज द टू कंडीशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेट. सो हॉरिजॉन्टल प्लेट के लिए ये कंडीशन आएगी या हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए ये यहां पर कंडीशन डेवलप होगी. तो केस नंबर जो सेकंड था दैट इज फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, दैट इज वेरी सिंपल. वाई डायरेक्टली इक्वल टू एक्स बार दैट इज द सेंट्रॉइड डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस एंड एफ नेट इज डब्ल्यू एक्स बार एज यूजुअल. सो दिस इज द एफ नेट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. यस ओ नो बताओ मुझे, यस ओ नो यहां तक बात समझ में आई, यस ओ नो बेटा. एनीबडी इन द कमेंट बॉक्स कैन कमेंट. यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? ओके अब हम डिस्कस करते हैं केस थर्ड. केस थर्ड लेट्स डिस्कस केस थर्ड. तो यहां पर क्या होता है केस थर्ड में, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ओके मैं डायग्राम भी बहुत आराम से बनाऊंगा इसका. सो देखिए केस थर्ड हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ केस थर्ड. ओके ओके चलिए. सो दिस केस थर्ड फॉर इंक्लाइंड सरफेस. इंक्लाइंड सरफेस बहुत अच्छी चीज है पता चलेगी. केस थर्ड किसके लिए? इंक्लाइंड सरफेस. तो सपोज हमारी एक प्लेट है जो कि इंक्लाइंड है. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इंक्लाइंड सरफेस. सो लेट्स सी वी हैव अ प्लेट विच इज इंक्लाइंड. ओके सो देखिए यहां पर क्या होगा, ये हमारी इंक्लाइंड प्लेट है ना, दिस इज द इंक्लाइंड प्लेट एंड द एंगल ऑफ दिस इज थीटा. अब इस इंक्लाइंड प्लेट का हम लोग बेसिकली फ्रंट से देखेंगे तो ये इंक्लाइंड प्लेट एक रेक्टेंगुलर प्लेट है. This is basically the inclined plate. चलिए this is your inclined plate. So this is the width of this inclined plate. ओके एंड इट इज अ लेंथ ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेट एंड द सेंटर ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेट इज सेंट्रॉइड, इट इज एट द मिडल. तो ये जो एक्सिस होगी दिस इज नोन एज सेंट्रॉइडल एक्सिस और जीजी एक्सिस. यू नो दैट जीजी एक्सिस दिस इज द सेंट्रॉइडल एक्सिस, इसी को कहते हैं हम लोग सेंट्रॉइडल एक्सिस. ओके अब मैंने आपको बुलाया था कि जो प्रेशर होता है इट हैज अ नॉर्मल नेचर. नॉर्मल नेचर इसका मतलब किसी भी सरफेस पर प्रेशर हैज नॉर्मल नेचर, इसका मतलब वो किसी भी सरफेस पर जब लगता है तो इट विल ऑलवेज एक्ट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन. सो इफ इट इज सरफेस इज इंक्लाइंड सो द प्रेशर विल कम ऑन दिस सरफेस इन द इंक्लाइंड डायरेक्शन ओनली. दैट मीन्स इट विल बी नॉर्मल टू दिस सरफेस and it will be inclined because it is inclined. So pressure also have a inclination. So pressure भी क्या होगा यहाँ पर? Inclined ही होगा क्योंकि pressure हमेशा क्या लगता है surface के? Normal लगता है. ये बात याद रखना नहीं तो confusion हो जाएगा और रोओगे फिर तुम कि यार सर पता नहीं क्या कर रखा है. So basically यहाँ पर क्या हो गया, ये condition है, normal है. ठीक है I hope you understand now. समझदार बच्चे हो.
सो नाउ यू अंडरस्टैंड दिस ओके बट स्टिल हेयर द प्रेशर इज वेरीज लीनियरली बिकॉज यहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर कहां होगा बॉटम पे मतलब बॉटम एज पर और सबसे ज्यादा कम प्रेशर क्या होगा टॉप एज पर एंड दिस प्रेशर वेरीज लीनियरली अब अगर मैं इस प्रेशर की वैल्यूज की बात करूं दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो इसकी वैल्यू बात करूं तो देखो साफ है कि अगर इस जहां पर इस पॉइंट पर प्रेशर लग रहा है इसकी डिस्टेंस फ्री सरफेस से सपोज मैंने मान ली कितनी x1 और बेस पर जहां पर हाईएस्ट प्रेशर लग रहा है इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप एज आई एम अज्यूमिंग इज x2 देखो मजेदार चीज समझ में आएगी तुम दिस इज x1 एंड दिस इज x2 वेरी गुड सम स्टूडेंट कम हेयर टू डिसलाइक माई लेक्चर बट दे डोंट नो हाउ मच हार्ड वर्क इट इज टू गेन दिस अमाउंट ऑफ नॉलेज ओके सो दिस इज द एक्स वन दिस इज एक्स टू तो यहां पर जो प्रेशर लग रहा है दिस इज रोजी एक्स वन और यहां पर जो प्रेशर लग रहा है दैट इज एक्सट्रीम प्रेशर दिस इज रोजी एक्स टू अगर मैं इस प्रेशर के वेरिएशन को हटा के एक कॉन्स्टेंट प्रेशर अज्यूम करूंगा तो वो प्रेशर क्या होगा देखिए अगर मैं इस प्रेशर के वेरिएशन को हटा के एक कॉन्स्टेंट प्रेशर अज्यूम करूं सो मे बी दैट प्रेशर विल बी उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे पी एवरेज एंड दैट पी एवरेज यू नो दैट क्या होता है पी मिनिमम प्लस पी मैक्सिमम बाई टू इन योर इज इट बफरिंग नो फ्रॉम माई साइड द नेट कनेक्शन इज एब्सोल्युटली फाइन फ्रॉम माई साइड इट इज नेट कनेक्शन इज एब्सोल्युटली फाइन इट इज नॉट बफरिंग From my side, the net connection is absolutely fine. So, यहां पर क्या होता है P minimum, that is rho g x1. P maximum, that is rho g x2 by 2. Check your net connection. Rho g x1 plus x2 by 2. रो जी एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू ओके सो यहां पर क्या होगा पी एवरेज रो जी एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू तो टोटल फोर्स ऑन दिस सरफेस दैट इज एफ नेट क्या हो जाएगा रो जी एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू इंटू एरिया दैट इज योर एक्स वन ये क्या हो जाएगा तुम्हारा x1 हो जाएगा दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग यहां पर जो एफ नेट फोर्स आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है दैट इज रो जी x1 प्लस x2 बाई 2 इंटू एरिया इसके बराबर आ रहा है अब देखिए ये x1 प्लस x2 x बार के बराबर होता है ये मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूं x बार के बराबर होगा ये मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूं देखिए क्या होता है ये जो डिस्टेंस है सेंट्रोइड की ये डिस्टेंस कहां पर होगी ठीक है मैं अभी आपको एक दूसरा फ्रेश डायग्राम यहां पर बनाते हैं हम लोग एक फ्रेश डायग्राम यहां पर बनाते हैं ओके सो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो डिस्टेंस है दिस पॉइंट इज एक्स वन ये जो डिस्टेंस थी फ्रॉम दिस पॉइंट इट इज एक्स टू और जो एक्स बार होगी वो इनके बीच की डिस्टेंस होती है बीच की डिस्टेंस होती है तो सपोज इसकी जो हाइट है टोटल
इट इज एच, और इसकी जो लेंथ है इट इज एल। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो इंक्लाइंड में, तो इसकी इसकी ये क्या होगा आपका एल बाई टू, और वर्टिकल में ये जो लेंथ होगी दैट इज एच बाई टू, वर्टिकल में ये क्या होगा आपका एच बाई टू। ओके, सो फ्रॉम द फ्री सरफेस इट इज अ डिस्टेंस, इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि फ्रॉम द फ्री सरफेस डिस्टेंस, या फिर हम बोले एक्स बार, तो वो होना चाहिए एक्स वन प्लस एच बाई टू के बराबर। एक्स बार क्या होना चाहिए, एच वन प्लस एक्स वन प्लस एच बाई टू के बराबर। बट इस फॉर्मूले में तो कहीं पर ऐसा कोई फॉर्म तो दिख नहीं रहा है एक्स वन प्लस एच बाई टू। तो देखिए कैसे हम करेंगे, देखो मैं अब आपको समझा रहा हूं, ये एक्स वन है, ये आपकी बेस से एक्स टू है, इस पूरी प्लेट की लेंथ एल है, इसकी वर्टिकल हाइट एच है, तो इसका जो सेंटर है उसकी वर्टिकल हाइट का तो आधा होगा और इंक्लाइन लेंथ का आधा होगा, यही होगा सेंटर। सो जो एक्स बार होता है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस, इट इज एक्स वन प्लस एच बाई टू। अब नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव दिस एक्स वन प्लस एच टू इज एक्स वन प्लस एच बाई टू। अब देखिए एक्स वन को आप क्या लिख सकते हो, एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। सो एक्स वन प्लस एच टू क्या होगा देखते हैं हम लोग, एक्स वन ठीक है, एक्स टू को आप क्या लिख सकते हो, एक्स टू को आप लिख सकते हो, एक्स टू को यहां पर क्या लिख सकते हो मुझे बताओ सब सब भाई, एक्स टू को आप लिख सकते हो एक्स वन प्लस एच भाई, एक्स टू कैन बी राइट एज, एक्स टू कैन बी राइट एज एक्स वन प्लस एच, तो यहां पर एक्स वन प्लस एच लिख दो भाई, क्या होना चाहिए टू। तो आप देखिए ये हो रहा है टू एक्स वन प्लस एच बाई टू, तो इसको दो को इधर अपॉन करोगे तो क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है आपका एक्स वन प्लस एच बाई टू विच इज नथिंग बट एक्स बार। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स वन प्लस एक्स टू ऑल्सो नोन एज एक्स बार, यहां पर डायरेक्टली पता चल गया कि एक्स वन प्लस एक्स टू दैट इज डिस्टेंस ऑफ टॉप एज इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ बॉटम एज इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज नथिंग बट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम द फ्री सरफेस। सो दिस एफनेट कैन ऑल्सो बी राइट हेयर एज रो जी एक्स बार इन टू ए, एंड एज यू ऑल नो रो जी कैन बी राइट एज डब्ल्यू ए एक्स बार। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रो जी को हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू लिख सकते हैं, स्पेसिफिक वेट लिख सकते हैं, तो दिस इज विज डब्ल्यू ए एक्स बार। तो यहां पर रो जी क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए एक्स बार, स्मॉल डब्ल्यू ए एक्स बार। ओके, सो यहां पर भी जो एफ नेट आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्मॉल डब्ल्यू ए एक्स बार। अब एक और चीज यहां पर गौर करने वाली है, जो आपने एक्स बार निकाला है इट इज वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम फ्री सरफेस, ये फ्री सरफेस से वर्टिकल डिस्टेंस है माय डियर। अब एक चीज देखिए यहां पर, इट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम द फ्री सरफेस माय डियर। सो ये डब्ल्यू एक्स बार क्या है, इट्स अ वर्टिकल डिस्टेंस। अब आपका बात आती है वाई की, तो वाई में यहां पर एक्स बार है प्लस आई जी जी अपॉन एक्स बार, यहां तक तो हम ऑलरेडी कर चुके थे, बस यहां पर एक साइन स्क्वायर थीटा वाला टर्म और आ जाता है एज इट इज। तो ये हमारा जनरल रिलेशन यहां पर हो जाता है। ओके, इसका डेराइव मैंने नहीं किया बिकॉज इट नॉट इंपॉर्टेंट विद रेस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। वैसे सेकेंड इंटीग्रेशन बहुत सिंपल डेरिवेशन है, बट वी कैन नॉट गो थ्रू दैट डेरिवेशन। ओके, वी आर नॉट कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स। ओके, मैंने एक एक चीज आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर नॉर्मल वे में, नॉर्मल मैथमेटिकल वे में आपको रिप्रेजेंट करके बताया है। ओके, ज्यादा बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं किया, बिल्कुल नॉर्मल वे में आपको इंटीग्रेट करके या डिफ्रेंशिएट बिना इंटीग्रेशन की हेल्प से करा है। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल गेट दिस एफ नेट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, यस और नो बताइए फटाफट, आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड, I hope you understand. Yes or no? चलिए
सो हम लोगों ने वर्टिकल सरफेस के लिए, अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये एक जनरल फॉर्मूला है, अगर मैं थीटा जीरो रखता हूं इसका मतलब क्या है, थीटा मैंने कहां से लिया, देखो यहां पर गौर से करिए, थीटा मैंने फ्री सरफेस से एंगल लिया था इंक्लिनेशन, तो थीटा जीरो का मतलब है फ्री सरफेस और प्लेट की जो सरफेस है बोथ आर पैरेलल, इसका मतलब ये हो गया कि प्लेन सरफेस विल बी हॉरिजॉन्टल, तो जब थीटा जीरो होगा तो ये देखिए यहां पर साइन जीरो हो जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स बार जो कि हम ऑलरेडी कंडीशन निकाल चुके हैं इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, y इक्वल टू एक्स बार वी जस्ट पुट दैट वी फाइंड इट ओके, और जब यहां पर वर्टिकल प्लेट होगा इसका मतलब फ्री सरफेस और सरफेस के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल है तो यहां पर साइन वन हो जाएगा, तो ये लेंथ, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं फॉर द वर्टिकल सरफेस। सो माय डियर फ्रेंड यहां पर मैं तीनों केसेस को एक टेबल में आपको लिखा रहा हूं जिससे कि बहुत सिंपल हो जाएगा याद रखना। सो कुल मिला के ये सारा डेरिवेशन था, अंत में जो रिजल्ट बना वो आपको याद होना चाहिए। सो अंत में जो हमारे पास रिजल्ट है वो क्या है, वो तुम्हें याद होना चाहिए। सो हमने तीन केस यहां पर लिए थे, तीनों का हाइड्रोस्टेटिक फोर्स निकाला था और तीनों का सेंटर ऑफ प्रेशर हमने निकाला था। ओके तो जैसा कि हम बात करते हैं पहले केस की, पहला केस हमने क्या लिया था, वर्टिकल प्लेट, तो हमारे पास था वर्टिकल सरफेस, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स क्या आया था, डब्ल्यू ए एक्स बार, एक्स बार इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम फ्री सरफेस एंड वाई दिस इज द सेंटर ऑफ प्रेशर की डिस्टेंस, इट वाज एक्स बार प्लस आई जी जी अपॉन ए एक्स बार, दैट वाज वाई। उसके बाद क्या था हमारे पास, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये निकाला हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए, सरफेस के लिए हमने निकाला था कि ये तो सेम था हमारे पास डब्ल्यू एक्स बार, बस यहां पर जो एक्स बार क्या हो गया था, सरफेस का डेप्थ हो गया था, और वाई क्या था यहां पर, एक्स बार के बराबर। एंड लास्ट केस हमने अभी डिटरमाइन किया, इन अवर लास्ट केस हमारा क्या था, दैट फॉर इंक्लाइंड सरफेस। सो इंक्लाइंड सरफेस के लिए क्या था, ये फॉर्मूला एज इट इज आया था, डब्ल्यू एक्स बार, यहां पर वाई था, ये एक्स बार था, ये आपका आई जी जी एज इट इज ए एक्स बार, और यहां पर क्या हो गया था, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा कौन सा था, केस नंबर थर्ड। तो इस केस नंबर थर्ड में जब थीटा आप 90 रखते हो तो वो केस नंबर वन बन जाएगा, और जब आप थीटा जीरो रखोगे तो वो केस नंबर फर्स्ट बन जाएगा। तो यहां पर थीटा क्या है, जीरो डिग्री, यहां पर थीटा क्या है, 90 डिग्री। ओके सो दिस इज हाउ वी विल गो थ्रू सॉल्यूशन। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। सो बेसिकली तीनों केसेस के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स हम लोगों ने डिफाइन किए हैं, तीनों केसेस के लिए मैंने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स डिफाइन कर दिए हैं कैसे हम लोग निकालते हैं। ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड। जितने भी लोग हैं कमेंट में, क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको समझ में आया या नहीं आया, हैव यू अंडरस्टैंड और नॉट, आपको समझ में आया या नहीं आया। सो लेट्स अंडरस्टैंड, मत बोलो भाई, टाइप ऑफ सरफेस। अब देखो यहां पर एक टेबल बनाएंगे हम लोग अलग अलग सरफेस के लिए, सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है यार। ऑनलाइन में ना रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज टीचर को पता नहीं चलता कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग हैं कि मानते नहीं हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर,
सो माय डियर फ्रेंड ग्लेमर में पढ़े हुए और कुछ नहीं। सेंटर ऑफ प्रेशर, सो हम बात करें टाइप ऑफ सरफेस और सेंटर ऑफ प्रेशर की। ओके तो उसके लिए हम लोग निकालेंगे अलग अलग। जैसा कि पहली बात करते हैं, अगर एक रेक्टेंगुलर प्लेट है तो उसका सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ लगेगा, एक डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने वाले हैं जिससे कि हमको बार बार सुविधा हो जाए अगर कभी रेक्टेंगल प्लेट आ जाए। अब बेसिकली ये रेक्टेंगल प्लेट इस सरफेस के अंदर है, लेकिन मैं सामने से बना रहा हूँ जिससे कि आपको ज्योमेट्री क्लियरली दिखाई देगी। तो ये एक रेक्टेंगल प्लेट है जिसका टॉप एज फ्री सरफेस पर टच है और इसका जो हाइट है दैट इज डी, क्या है वो डेप्थ जो है डी है। ओके अब हम इसका निकाल रहे हैं वाई। सो आप जानते हैं कि ये वर्टिकल प्लेट है, तो वर्टिकल प्लेट के लिए वाई का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार प्लस आई जी जी अपॉन एक्स बार। अब यहां पर जो जी जी एक्सिस होता है वो इसके सेंट्रोइड से पास होगा, यही जी जी एक्सिस होगा ना, दैट इज द जी जी एक्सिस। और इसका विड्थ क्या होगा, बी होगा, ठीक है। सो अगर मैं आई जी जी की बात करूं तो आई जी जी क्या होगा, एक्सिस के पैरेलल वाला विड्थ और परपेंडिकुलर का क्यूब होता है बी डी क्यूब बाई 12 हो गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। एरिया क्या होगा भाई, एरिया विड्थ रेक्टेंगल है विड्थ इंटू हाइट वी इंटू डी, इस फॉर्मूले में रख दीजिए। एक्स बार क्या होगा, रेक्टेंगल है तो हाफ पर होता है डी बाई टू पर होगा, तो ये हो गया डी बाई टू। आई जी जी कितना है, बी डी क्यूब बाई 12। एरिया कितना है, बी इंटू डी। एक्स बार कितना है, डी बाई टू। सॉल्व करिए इसको, बी से बी कट जाएगा, डी डी स्क्वायर गया, यहां से 6 बार गया, तो y इक्वल टू क्या बचेगा तुम्हारे पास, d बाई टू प्लस डी बाई 6। कितना हुआ ये 6, 3d प्लस डी दैट इज 4d बाई 6। तो इससे दो दो बार जाएगा 2 और 3, तो y इक्वल टू क्या आ रहा है इसके लिए 2d बाई 3। तो इफ आ रेक्टेंगुलर प्लेट having a top edge at the free surface, top edge at the free surface top edge at the free surface so y become 2d by 3 y become 2d by 3। एनीबडी कैन कमेंट, क्या हो रहा है भाई, स्पीड कम हो गई क्या? ओके चलिए कोई नहीं, वो वापस आ जाएगा, कभी कभार हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने किसके लिए निकाला, रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए। अब हम निकालते हैं ट्राइंगुलर के लिए, सेकंड केस फॉर ट्राइंगल। सेकेंड केस फॉर ट्राइंगल, सेकेंड केस हम लोग निकालते हैं ट्राइंगल के लिए। सो यहाँ क्या होता है, ये हमारी ट्राइंगुलर शेप है। ट्राइंगुलर शेप का बेस जो है अगर टॉप पर है तो क्या होगा, सपोज इसका विड्थ क्या है, बी है, इसका विड्थ क्या है, बी है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल शेप, इसका विड्थ क्या है, बी है, और इसका हाइट को मैंने डी माना टू मेक अ यूनिफॉर्मिटी इन द अजम्पशंस। ओके अब देखिए इसका जो एक्स बार होता है
बेस से कितनी डिस्टेंस पे होगा, डी बाई थ्री पर, जानते हैं सब लोग। वाई का फॉर्मूला क्या होगा, अगेन एक्स बार प्लस आई जी जी अपॉन एक्स बार, आई जी जी अपॉन एक्स बार। अब एक्स बार क्या होगा यहां पर, डी बाई थ्री पर। आई जी जी क्या होगा यहां पर, देखिए ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का आई क्या होता है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का आई क्या होगा, ट्राइंगल का आई होगा बी डी क्यूब बाई, बताओ फटाफट, 36। बी डी क्यूब बाई 12 किस एक्सिस के अबाउट होता है, बेस के अबाउट, बट बी डी क्यूब बाई 36 किसके अबाउट होगा, जी जी एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। तो ये हो जाएगा बी डी क्यूब बाई 36। अब इस वैल्यू को यहां पर रखिए, एक्स बार है हमारे पास डी बाई थ्री, आई जी जी है बी डी क्यूब बाई 36। ओके, एरिया क्या होगा ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट, एक्स बार कितना होगा डी बाई थ्री। सो देखिए यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया आपका, y इक्वल टू बी से बी चला जाएगा, d से डी स्क्वायर चला, डी क्यूब जाएगा, तो d बाई थ्री यहां पर बचेगा, d अपॉन में क्या आएगा, देखिए 6×36 छे गया ये, तो 6 इसको कॉमन निकाल लेंगे, 2d प्लस डी कितना हो जाएगा 3d बाई 6, और 3d बाई 6 y इक्वल टू कितना आ जाएगा d बाई 2। इसका मतलब अगर एक ट्राइंगुलर प्लेट है और बेस क्या है, फ्री सरफेस पर अटैच है, तो हमारे पास डेप्थ कितना होगा d बाई, डी बाई टू। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू डी बाई टू, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा डी बाई टू। थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस में अगर ट्राइंगल जो है उसका अपेक्स जो है फ्री सरफेस पे टच में है, इसका मतलब टॉप बेस नहीं अपेक्स फ्री सरफेस पे टच में, लाइक दिस कंडीशन, बेस है बी, विड्थ बी है, हाइट कितना है डी है, हाइट कितना है डी है। सो मुझे बताइए इसका वाई कहां होगा, अगेन मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, ऊपर से जो डिस्टेंस होती है एक्स बार की कितनी होगी इस केस में, 2d/3, तो 2d/3, आई जी जी कितना होगा बी डी क्यू बाई 36, एरिया कितना होगा 1/2 बी इंटू डी, एंड एक्स बार कितना है 2d/3, तो y इक्वल टू क्या हो गया 2d/3, बी से बी कट जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा यहां से, एंड दिस इज d बाई 12 आ जाएगा, 6 और 6 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो d बाई 12 आएगा, तो y इक्वल टू यहां पर आ रहा है 3d/4। सो इस केस में y क्या आएगा आपका 3d/4, इस केस में y कितना आएगा आपका 3d/4। So, इस केस में y कितना आ रहा है तुम्हारा 3d/4, एंड लास्ट फोर्थ केस चलते हैं, अगर सर्कल होता तो कितना हमारा y आता, y की वैल्यू क्या होती, अगर सर्कल होता तो y की वैल्यू क्या होती। तो देखिए यहां पर अगर सर्कल होता, सर्कल होता जिसका डायमीटर क्या है d है, सर्कल होता जिसका डायमीटर क्या है d है, अगर सर्कल होता जिसका डायमीटर क्या है d है, सर्कल होता है जिसका डायमीटर क्या है डी है। ओके, तो अगेन वाई का फॉर्मूला, एक्स बार कहां होता भाई, सर्कल का तो सेंटर ही एक्स बार हो जाएगा, दैट इज डी बाई टू। आई जी जी क्या होता है सर्कल का, दैट इज π/d/4/64, एरिया क्या होगा π/4d² और एक्स बार कितना है d/2, तो पाई से पाई चला जाएगा, इसको सॉल्व करेगा तो y इक्वल टू आएगा d/2 प्लस यहां पर आएगा तुम्हारा d/8, तो y इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा यहां पर 8, 4d/d प्लस 5d/8, तो ये आएगा y, दैट इज सेंटर ऑफ प्रेशर डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो बेसिकली चारों चीजों का मैंने लिखा दिया यहां पर, अब मैं चारों को मैं एक ही टेबल में शो कर रहा हूं आपको, ठीक है। पहला हमने लिया था रेक्टेंगुलर बॉडी, सो रेक्टेंगुलर बॉडी का कितना आया हमारे पास, इट वॉज 2d/3,
दूसरा हमने लिया था ट्राइंगुलर शेप, इसका कितना आया हमारे पास y, इसका आया हमारे पास y d by 2। तीसरा हमने लिया था ट्राइंगुलर शेप बट अपेक्स एट द फ्री सरफेस, इसका y कितना आया 3d by 4। और फोर्थ हमने लिया था सर्कल, इसका y कितना आया हमारे पास 5d by 8। सो आप इसको याद रख सकते हैं डायरेक्टली भी, और अगर आप इसको याद रखेंगे डायरेक्टली सो इट विल बी गुड, क्योंकि आपको फिर यहाँ पर बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ कॉमन ज्योमेट्री का है जो आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, y इक्वल टू 2d बाई 3 रेक्टेंगल, d बाई 2 ट्राइंगल बट अपेक्स एट बेस एट द बोट टॉप एंड इन्वर्टेड ट्राइंगल एंड सर्कल, ये सब डायरेक्ट आप याद रख सकते हो यहाँ। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीबडी। यार समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है एवरीबडी? सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? क्वेश्चन करते हैं, अ वर्टिकल गेट गेट 6 meter into 6 meter होल्ड्स वाटर ऑन वन साइड, वन साइड विथ फ्री सरफेस एट इट्स टॉप, फाइंड द मोमेंट, मोमेंट अबाउट द बॉटम एज ऑफ द गेट, ड्यू टू वाटर फोर्स टेक डब्ल्यू एज स्पेसिफिक वेट। ऑप्शन दे रखे हैं ए 36 small w, बी 72 small w, सी 108 small w एंड डी 216 small w। तो आपको बताना है कि जो बॉटम है उस पर क्या मोमेंट लगेगा, व्हाट इज द मोमेंट अबाउट द बॉटम एज, व्हाट विल बी द मोमेंट अबाउट द बॉटम एज। सो फाइंड द मोमेंट अबाउट द बॉटम एज। बेसिकली ऐश्वर्या अपन क्या करें, आप लोग पढ़ो, अगर लाइव कम है तो उससे क्या फर्क पड़ता है बताओ मुझे, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? ओके आई कैन टीच फॉर वन स्टूडेंट ऑल्सो। आजकल मुझे पता नहीं है, मैं बहुत सालों से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ बट मुझे पता नहीं ऑनलाइन में क्या होता है। आप अपने टॉपिक पे फोकस करेंगे, नंबर ऑफ व्यूज नंबर ऑफ लाइव्स डजंट केयर, डोंट केयर। ओके चलिए बेटा कोई बात नहीं, रात का टाइम है एक तो हो सकता है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे बाद में बहुत सारे देखेंगे जो जो बाद में पता चलता है।
ओके आंसर बताओ बेटा ऐश्वर्या, ऐश्वर्या शेयर, डू शेयर इट इफ यू वांट टू इंक्रीज मोर। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, उनको बेनिफिट मिल जाएगा। ओके सो बेटा आंसर बताओ फटाफट, आंसर चाहिए, आई नीड आंसर, वेरी गुड, बिकॉज इससे मैं बहुत सारी चीजें अभी कराने वाला हूँ, ठीक है, सो आई नीड आंसर। ओके फटाफट मुझे आंसर बताओ, नहीं आ रहा तो बताओ नहीं आ रहा सर, आ रहा है तो बताओ आ रहा है सर, कर रहे हैं सर, अगर ट्राई कर रहे हो तो यस और नहीं कर रहे हो तो नो। ओके ट्राई कर रहे हो तो यस करिए, नहीं कर रहे हो तो नो करिए। ओके आंसर बताइए मुझे, अगर ट्राई कर रहे हो तो यस, नहीं ट्राई कर रहे हो तो नो करिए। ओके सो आई कैन सॉल्व दिस, ओके चलिए सुनील, ओके सो आई विल टेक अ मोमेंट फॉर यू, चलिए बेटा चलिए मैं ले रहा हूं मोमेंट। या ऐश्वर्या देखिए इसको बेटा, आप देखना इसको ना, ध्यान से देखिए, बेसिकली हमको एक फ्लैट प्लेट दी है, ठीक है, डी आंसर डी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड एक्सेलेंट, डी इज अ करेक्ट आंसर, डी इज अ करेक्ट आंसर, वेरी गुड एक्सेलेंट, डी इज अ करेक्ट आंसर बेटा, एक्सेलेंट। बट अभी जब वेरिएशन दूंगा तो देखना ना मैं, बाकी अब सॉल्व करा देता हूँ। देखिए एक रेक्टेंगल प्लेट दी है जिसका विड्थ और हाइट आपको पता है, रेक्टेंगल प्लेट है 6x6 मीटर की प्लेट है, इसका मतलब हाइट भी 6 होगा और विड्थ भी क्या होगा आपका 6 ही होगा, 6x6 मीटर की प्लेट है ना। अब देखो यहाँ बनाने में हो सकता है कि वो आपको कम या ज्यादा दिख जाए, बट यू नो दैट कि ये 6x6 मीटर की प्लेट है। ओके चलिए एक रेक्टेंगल प्लेट है, कॉल मिला के बात है। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रेक्टेंगल प्लेट का जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वहीं पर क्या लगेगा आपका एफ नेट लगेगा, और द सेंटर ऑफ प्रेशर डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस इज बिकम 2d/3। तो इसका मतलब साफ है कि इसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर आएगा वो 2d/3 पे आएगा, और इसका डेप्थ कितना है 6 मीटर, तो 2x6/3 कितना हो गया, ये 4 हो गया आई थिंक, तो ये कितना डिस्टेंस है 4 मीटर। इसका मतलब एफ नेट टॉप से 4 मीटर पे लगा हुआ है, तो बेस से कितने डिस्टेंस पर है 2 मीटर पर है। अब मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट आपका होता है फोर्स इनटू फोर्स से वर्टिकल डिस्टेंस, तो मूवमेंट अबाउट बॉटम एज, मूवमेंट अबाउट बॉटम एज, बॉटम एज कहां है तुम्हारा, बॉटम एज तो बॉटम में है भाई, ये है वो बॉटम एज, दिस इज द बॉटम एज, तो इसके अबाउट मूवमेंट क्या होगा फोर्स, और फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स कितना लग रहा है टोटल फोर्स एफ नेट इनटू 2 मीटर, तो दैट विल बी द मूवमेंट। अब देखिए मुझे केवल एफ नेट निकालना है, और आप जानते हो कि वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल हो इंक्लाइंड हो सबके लिए एफ नेट होता है WAX/2। अब W तो हमको चेंज नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन में भी वही लिख रहा है। अब इस प्लेट का एरिया कितना होगा 6x6 और x बार क्या होता है सेंटर की डिस्टेंस। अब इसका सेंटर कहां पर होगा भाई 3 मीटर पर होगा ना, टोटल हाइट 6 मीटर है, तो सेंटर कहां हो गया 3 मीटर पर, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा यहां से इनटू 2 भी करना है अभी आपको। ओके तो ये हो जाएगा 216 ओमेगा, ठीक है, गेट का क्वेश्चन था ये 216 ओमेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, मूवमेंट का। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके ऐश्वर्या, ओके आई थिंक यू अंडरस्टैंड, साहू समझ में आया बेटा। अब देखो मजेदार कहानी क्या है, अभी देखो यहां पर इस क्वेश्चन को मैं कैसे घुमाऊंगा, आई थिंक यू समझ में आया यहां तक, साहू साहू समझ में आया बेटा, साहू समझ में आया। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे घुमाऊंगा, लेट्स सी, देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे घुमा रहा हूं, अरे बाबा बाबा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए साहू आर यू देयर और नॉट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन प्रीवियस क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं इन प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन इफ वाटर लेवल राइज टू 2 मीटर फ्रॉम टॉप एज ऑफ द प्लेट,
प्लेट देन फाइंड मूवमेंट अबाउट बेस, अबाउट बेस। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा उसके अंदर यह हुआ कि ऐश्वर्या आर यू देयर और नॉट, सो इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ द वाटर लेवल राइज टू 2 meters फ्रॉम द टॉप एज ऑफ द प्लेट देन फाइंड द मोमेंट अबाउट बेस। सो माय डियर फ्रेंड होगा क्या कि उसने बोला कि जो पहला वाला केस था उसके अंदर यह हुआ कि जो आपकी प्लेट थी प्लेट से अब पानी का जो लेवल है वो 2 meters और राइज हो गया। साहू आर यू देयर और नॉट, तो यहां पर क्या हो रहा है, उसने कहा कि पानी का लेवल 2 meters बढ़ गया भैया, अब क्या होगा, प्लेट तो यहीं रह गई, प्लेट तो आपकी यहीं रह गई लेकिन पानी का लेवल 2 meters और बढ़ गया टॉप एज से। अब आपको सेम चीज करनी है, सेम आंसर, ठीक है, अब आपको वही करना है कि बताओ मूवमेंट अबाउट द बॉटम एज क्या होगा। यही 6x6 meters की प्लेट है, ओके दैट इज 6x6 meters, ओके बेटा, सो दिस इज 6x6 meters प्लेट, बट आपको बोल दिया कि अब पानी का लेवल 2 meters बढ़ गया, पहले केस में तो पानी का लेवल जो था वो आपका टॉप एज पे था, अब बट पानी का लेवल 2 meters और बढ़ गया, अब आपको बताना है कि मूवमेंट अबाउट द बॉटम एज क्या होगा। 99% बच्चे यहां पर मिस्टेक करोगे बेटा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 99% बच्चे यहां पर उड़ जाएंगे, मिस्टेक कर जाएंगे, आई नो दैट, और गेट में क्वेश्चन आया तो सर खुजाएंगे ये। ऐश्वर्य आप कर लोगे इस क्वेश्चन को, ओके ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यस ओ नो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो बताओ मुझे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 meters बढ़ा दिया बस मैंने पानी का लेवल। देखिए मैंने एक क्वेश्चन पकड़ूंगा उसके अंदर सारे वेरिएशन कवर करा दूंगा, मैंने बोला एक बार समझो टॉपिक को, समझो लाइव में लोग कितने आते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ठीक है, तुम अपनी लर्निंग पर फोकस करो यार। सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर कमेंट बॉक्स में, आई नीड आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ऐश्वर्या साहू आई नीड आंसर इन द कमेंट बॉक्स, आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन है, आई नीड आंसर इन द कमेंट बॉक्स, आई नीड आंसर इन द कमेंट बॉक्स, आपके सामने क्वेश्चन है, हो रहा है या नहीं हो रहा यह भी बता देना। ऐश्वर्या सुनील I need answer in the comment box. Thank you very much. Thank you very much, Sunil. Thank you very much. Okay. Thank you very much. हो रहा नहीं हो रहा फटाफट बताओ मुझे. Then I will move. So my dear friend, let's solve this question. First of all, आपको इस क्वेश्चन को जानने के लिए पहली बात तो यह कि यहां 2D/3 नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, अगर आप लगा रहे हो तो ये नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो वाला केस में
टॉप एज और फ्री सरफेस दोनों टच थी, इस वाले केस में ऐसा नहीं है, तो यहां पर 2d बाई 3 डायरेक्ट नहीं लगा सकते। दूसरी बात कि जो इसका सेंटर है वो कहां पर होगा, उसकी डिस्टेंस हम लेते हैं टॉप एज से, तो जो x बार है दैट इज द सेंटर ऑफ दिस प्लेट फ्रॉम द टॉप एज, उसकी x बार की वैल्यू क्या होगी, यहां से यहां तक 3 मीटर और x बार क्या हो जाएगा यहां पर 5 मीटर माय डियर फ्रेंड, एंड दैट इज द रीजन यू कैन नॉट राइट y इक्वल टू 2d बाय 3 डायरेक्टली, बिकॉज x बार इज नाउ 5 मीटर, नॉट इट इज 3 मीटर एट द हाफ डिस्टेंस ऑफ द प्लेट, इट इज नॉट हाफ डिस्टेंस ऑफ द प्लेट, इट इज द 5 मीटर विच विल कम विथ 2 मीटर ऑल्सो। तो यहां पर जो y है उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। सो y को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, x बार प्लस आई जी जी अपॉन ए एक्स बार, एक्स बार कितना है यहां पर 5 मीटर नॉट 3 मीटर, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। इफ द वाटर का लेवल बढ़ गया तो ये एक्स बार की जो डिस्टेंस है वो हम फ्री सरफेस से लेते हैं, और अगर हम फ्री सरफेस से ले रहे हैं डिस्टेंस, तो जब वाटर का लेवल टॉप एज से ऊपर चला गया तो फिर डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस भी बढ़ जाएगा, तो एक्स बार यहां पर 3 ना होके 5 होगा, तो इट विल बी 5 मीटर। रही बात आई जी की, तो आई जी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, तो वो वही रहेगा, तो वो हो जाएगा आपका बी डी क्यूब बाय 12। ये एक रेक्टेंगल प्लेट है, विड्थ 6 है, डेप्थ आपका 6 है, तो बी डी मतलब 6 इंटू 6 का क्यूब अपॉन 12, एरिया 6 इंटू 6, एक्स बार इज 5। यस वेरी गुड, या मैं कर रहा हूं, दैट्स वाई सुनील समझो इसको, अगर नहीं हो रहा बेटा सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मैंने कहा कि ये जो एक्स बार था ना बेटा, ये फ्री सरफेस से डिस्टेंस है, तो जब फ्री सरफेस ऊपर राइज हो गया, पानी का लेवल बढ़ गया, तो वो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, तो जब पानी का लेवल बढ़ गया तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और जब वो डिस्टेंस बढ़ गया तो फिर वो डायरेक्ट फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा यहां पर। सो अगर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा तो आप देखिए, आप सॉल्व करिए इसको, तो 5 प्लस देखिए 6 से ठीक है ये कट गया, ऊपर क्या बचा 6 का स्क्वायर, नीचे क्या बचा 12 इंटू 5, तो ये कितना हुआ 5 प्लस 36 60, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 36 अपॉन 60 कितना हो रहा है दैट इज 0.6, तो ये हो जाएगा 5.6। तो y इज अ 5.6, तो y की डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस इज 5.6, और जहां पर y आता है दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर, और वहीं पर हमारा क्या लगता है f में, तो जो y आ रहा है वो कितना आ रहा है 5.6 मीटर, दिस इज योर y 5.6 मीटर, दिस इज योर y 5.6 मीटर, दिस इज योर y। So y क्या है तुम्हारा 5.6 मीटर, तो यहां पर y क्या है तुम्हारा 5.6 मीटर, तो y तुम्हें पता चल गया, तो बेस से डिस्टेंस कितना हो गया, ये टोटल क्या है 8, सो 8 माइनस तो दिस इज 2.4, तो यहां से डिस्टेंस कितना हुआ आपका 2.4, यहां से डिस्टेंस कितना हुआ 2.4, y कितना है तुम्हारा 5.6, y कितना है तुम्हारा 5.6, तो बेस से डिस्टेंस कितना हो गया 2.4, बेस से डिस्टेंस कितना हो गया 2.4। सो मूवमेंट अबाउट द बॉटम एज विल बी इक्वल टू एफ नेट इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द बेस, दिस इज 2.4, तो यहां पर m क्या आएगा एफ नेट इनटू 2.4 माय डियर, एफ नेट क्या होगा डब्ल्यू एक्स बार इंटू 2.4, डब्ल्यू एज इट इज रहने दो, एरिया क्या होगा 6 इंटू 6, और एक्स बार क्या हो गया दैट इज 5, दैट इज 5 बिकॉज इट इज फ्रॉम फ्री सरफेस, तो 5 इंटू 2.4, सो ये हो जाएगा मोमेंट, तो 6 इंटू 6 मोमेंट अबाउट द बॉटम एज इज 43
ये आ रहा है 432 ओमेगा। दिस इज द 432 ओमेगा। ओके साउ, समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है या सुनो? 432 ओमेगा। ठीक है साहु, समझ में आया बेटा? यस और नो बताओ। देखो मैं वापस समझा देता हूं। देखो इसमें कुछ नहीं है, पॉइंट बस यही है कि जो y है, सो y हमें निकालना पड़ेगा बस यहां पर, क्योंकि जो हम डायरेक्ट निकाल रहे थे 2d/3 वो किस केस के लिए था? कि जब टॉप एज फ्री सरफेस पे टच हो। लेकिन जब फ्री सरफेस टॉप एज से ऊपर होगा तो हमें यहां पर y निकालना पड़ता है, क्योंकि x बार इंक्रीज हो जाता है। तो उस वजह से हमने यहां पर y कैलकुलेट कर लिया। y में से हमने टोटल हाइट को माइनस कर दिया, तो हमें बेस से डिस्टेंस पता चल गई, और फिर फोर्स को हमने बेस की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेस पर जो आने वाला मोमेंट है वो हमें पता चल गया। तो यहां पर 532 पॉइंट ओमेगा हो जाएगा, 532 ओमेगा हो जाएगा। साहू यहां तक बात समझ में आई बेटा? साहू यहां तक बात समझ में आई? यस ओ नो बोलो। सुनील यहां तक बात समझ में आई? यस ओ नो बोलो बेटा। चलिए आगे बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, मैंने इसी क्वेश्चन को घुमा रहा हूं, ठीक है? इसी क्वेश्चन को अगेन दूसरे तरह से। अब अभी तो मैंने क्या किया था, वाटर का लेवल ऊपर कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब अगर ऐसा हो कि वाटर का लेवल डाउन हो जाए, सो इन प्रीवियस क्वेश्चन, इफ वाटर लेवल ड्रॉप डाउन टू 2 meter फ्रॉम टॉप एज ऑफ द प्लेट देन फाइंड मूमेंट अबाउट बेस। अब मैंने पानी के लेवल को 2 meter और नीचे कर दिया, तो अब क्या होगा? तो मैं डायग्राम बनाऊ, डायग्राम ऐसा होगा कि अब पानी में का लेवल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वेरिएशन आते ही बच्चों की नींदें उड़ेगी यहां पर। अब देखो यहां पर मैंने केस क्या करा कि पानी का लेवल और नीचे कर दिया, 2 meter नीचे कर दिया, ठीक है? जैसे नीचे करा तो क्या होगा देखते हैं हम लोग। सो नाउ वाटर लेवल ड्रॉप डाउन टू 2 meter फ्रॉम द टॉप एज, इसका मतलब पहले ऊपर बढ़ गया था अब नीचे चला गया, तो इसका मतलब कैसे कंडीशन आ गई है? इसका मतलब आपका जो लेवल है पानी का वो 2 meter नीचे हो गया और आपकी फ्री सरफेस यहां पर आ गई। अब आपसे पूछ रहा है कि मूवमेंट अबाउट द बॉटम एज। एक बात दिमाग में बिठा लो, ध्यान कर लो, याद कर लो, रट लो, जो भी करना है कर लो, बाकी दिमाग में ये बिठा लो कि हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, ओके? और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स वहीं आते हैं जहां तक फ्लूड भरा है। जहां फ्लूड नहीं भरा वहां हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स नहीं आएंगे। इसका मतलब यह हो गया कि अगर फ्लूड केवल और केवल 4 meter हाइट तक भरा हुआ है तो आपको प्लेट को केवल और केवल 4 meter हाइट तक ही कंसीडर करना है, क्योंकि आपके हाइड्रोस्टैटिक फोर्स वहीं आएंगे जहां पर आपका फ्लूड भरा है। जहां फ्लूड ही नहीं है तो वहां कैसे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आए? तो माय डियर फ्रेंड, प्लेट की लेंथ चाहे कोई भी हो, लेकिन जहां तक पानी भरा है या फ्लूड भरा है आपको प्लेट वहीं तक लेनी है।
तो ये एक्चुअली प्लेट क्या हो गई, वो प्लेट हो गई जिसकी हाइट 4 मीटर है और विड्थ 6 मीटर है और जिसका टॉप एज जो है इट इज टच टू द फ्री सरफेस. सो इट विल बी द प्लेट विच हैज हाइट 4 मीटर एंड द टॉप एज ऑफ द प्लेट इज टच टू द फ्री सरफेस. तो यहां पर आपको क्या करना है, प्लेट वहीं तक लेनी है जहां तक आपका फ्लूड भरा है, उसके बाद उससे बाकी लेंथ से आपको कोई मतलब नहीं. वॉट एवर द लेंथ ऑफ द प्लेट आई डोंट केयर, आई जस्ट विल बी फोकस ऑन द लेंथ ऑफ द प्लेट अप टू द वाटर इज फिल्ड. तो जहां तक पानी फिल्ड है, वाटर फिल्ड है, वहीं तक आपको हाइट कंसिडर करनी है. सो नाउ इट बिकम वेरी सिंपल केस वेयर द प्लेट हाइट इज 4 मीटर एंड द विड्थ इज 6 मीटर एंड द टॉप एज ऑफ द प्लेट इज टच टू द फ्री सरफेस. नाउ व्हाट हैपन, हेयर विल बी द एफ नेट फोर्स और यहां पर ये क्या आएगा, वाई आएगा और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2d/3. वेयर डी इज क्या है, डी क्या है, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर वाई इक्वल टू हो जाएगा 2d/3 और डी क्या है यहां पर भैया, हाइट कितना है 4 मीटर, तो ये हो जाएगा 8/3. 8/3 तो 8/3 कितना होता है, 8/3 होता है तुम्हारा 2.6666. माइनस 4 कर दोगे तो ये हाइट आ जाएगा आपका, दैट इज 1.33333. तो बेस से जो हाइट है दैट इज 1.3333. सो द मूवमेंट अबाउट द बॉटम एज, सो मूवमेंट अबाउट बॉटम एज, बॉटम एज सुन लो ध्यान से समझ लो, एफ नेट इंटू 1.333. अब एफ नेट क्या होगा, डब्ल्यू एक्स बार, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मजा आएगा. और एरिया क्या लोगे, पूरा लोगे क्या, नहीं, जहां तक फ्लूड भरा है उसी को प्लेट मान रहे हो तो इतना ही एरिया लेना है. तो एरिया कितना होगा, 6 × 4. एक्स बार क्या होगा, अरे प्लेट की हाइट 4 मीटर है तो एक्स बार कितना हो जाएगा, अरे 2 मीटर हो जाएगा, इसी को प्लेट मानना है तो ये हो जाएगा 2 मीटर इंटू 1.333. सो माई डियर फ्रेंड द मोमेंट अबाउट द बॉटम एज विल बी इक्वल टू 6 × 4 × 2 × 1.3333. So it is going to be 63.998 या 99, इसको 64 कर दो, 99 आ रहा है, 64 ओमेगा. क्या तुम्हें नहीं लगता है बहुत अच्छा क्वेश्चन था. So, जहां तक आपका पानी भरा है, जहां तक आपका फ्लूड भरा है, उतनी ही हाइट को आपको कंसीडर करना है, बाकी हाइट को भूल जाओ, बाकी हाइट से तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक फोर्स वहीं पर लगते हैं जहां तक आपका फ्लूड भरा है. तो बाकी सरफेस का लेंथ कितना है, यू डोंट हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, यू जस्ट टेक द सरफेस अप टू वाटर इज फिल्ड, आफ्टर दैट यू डोंट हैव टू टेक दैट लेंथ ऑफ द सरफेस. सो दिस इज द कंक्लूजन. सुनील समझ में आया बेटा यहां तक, सुनील समझ में आया बेटा यहां तक, सुनील समझ में आया बेटा यहां तक, समझ में आया यहां तक. तो मैंने तीन अलग अलग केस में तुम्हें एक केस को घुमाया. पहले मैंने वो कराया कि जब नॉर्मली टॉप एज पर आपका फ्लूड था, फिर मैंने फ्लूड के लेवल को राइज कर दिया, फिर मैंने फ्लूड के लेवल को डाउन कर दिया, तो देखो कितना खतरनाक वेरिएशन हो रहा है. इसलिए ये टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है. लोग इसमें इसलिए ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि दे डोंट अंडरस्टैंड द वेरिएशन. इसलिए मैं शुरू से एक एक पॉइंट को ड्राइव करके चला हूं और एक एक जगह जहां जहां वेरिएशन हो रहे हैं मैंने आपको बता दिया. ओके समझ में आ गई बात. तो पानी का लेवल राइज होना अलग केस हो जाता है, पानी का लेवल टॉप एज तक होना अलग केस हो जाता है, टॉप एज से बॉटम डाउन होना अलग केस हो जाता है. तो तीनों केस में जो सेम चीज पूछी थी और सेम चीज का आंसर तीनों केस में अलग अलग आया है. एक में 216 आया, एक में 432 आया और एक में 64 आ रहा है. तीनों ही केस में अलग अलग मूवमेंट आया है. तो यू कैन सी दिस. सुनील बात समझ में आ रही बेटा,
क्लियर है यहां तक? क्लियर है बेटा यहां तक? सुनील क्लियर है बेटा? ओके सो आप लोग पूछ सकते हो कि सर यहां पर वो केस बताओ जब पानी का लेवल राइज हो जाएगा। भैया जब गेट लगे होते हैं तो गेट के ऊपर पानी चढ़ जाता है, तो वो उस केस की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट, वी जस्ट क्लियर आउट। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए सो आज के लिए फिर हम अपनी सभा यहीं समाप्त करते हैं। काफी सारी चीजें हम लोगों ने आज पढ़ी, काफी सारी चीजें हमने जानी। तो इफ यू लाइक अवर क्लासेस प्लीज हिट द लाइक बटन, ओके, क्योंकि कुछ लोग यहां पर डिसलाइक करने आते हैं, तो यू मस्ट लाइक द बटन। साकेत, या एक्चुअली मैं काम करता हूं दोनों लेक्चर का, मैंने कल का लेक्चर भी है और आज का लेक्चर भी है, ठीक है, कल का लेक्चर और आज का। यस यस यस, पीडीएफ 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 है ना, कल का लेक्चर और आज का लेक्चर, कल का लेक्चर भी हो गया ना। सो मैं कल का लेक्चर और आज के लेक्चर की पीडीएफ, एक काम करता हूँ इनका जो टेलीग्राम चैनल है ना, यस कोले इनका कोचिंग का टेलीग्राम चैनल है ना, इसका टेलीग्राम चैनल है साकेत, तो मैं वहां डाल देता हूँ ना बेटा, साकेत मैं वहां डाल देता हूँ। ये कल का लेक्चर था जो मैंने स्टेबिलिटी पे पढ़ाया था, और आज का लेक्चर ये है, ये दोनों मैं वहां डाल देता हूँ। ओके अभी मैं डाल देता हूं, ठीक है, अभी जस्ट मैं डाल ही देता हूं आपको। ओके और अगर मैं ना, ठीक है, अगर कभी मैं भूल जाऊं ना साकेत, तो एक काम करे करो, अगर मैं कभी भूल जाऊं गलती से, मुझे याद ना रहे डालना, तो आप एक काम करो मुझे मैसेज कर दिया करो, ठीक है, मेरे पास मेरा नंबर है उस पर मैसेज कर दिया करो, मैं आपको नंबर दे रहा हूं, ठीक है। अगर मैं भूल जाऊं कभी, मेरे से गलती से भूल जाए, तो आप मेरे को मैसेज कर दिया करो, तो मैं बेसिकली सारे लेक्चर के नोट्स डाल दूंगा, डोंट वरी, बट मुझे मैसेज कर दिया करो अगर मैं कभी भूल जाऊं तो। ओके बट डू कम कंटिन्यूअसली इन द क्लास, ओके। मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास में लाइव आइए, जो भी डाउट आते हैं उससे पूछिए, मेरा आप पूरी तरह से सपोर्ट रहेगा। उसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन अटके तो मुझसे आप बोल सकते हो, शिकायत कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन अटक गया, ओके। बट मुझे यहां तक पता है कि बहुत सारे बच्चे मेरे टॉप भी किए हैं गेट में, बहुत सारे स्टूडेंट टॉप किए हैं, एंड मुझे नहीं लगता कि मेरे पढ़ाने के बाद आप लोगों से इसमें कुछ क्वेश्चन अटकेगा। आप जाइए गेट के क्वेश्चन करिए, आईएएस के क्वेश्चन करिए, जो भी क्वेश्चन करना है आप करिए, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। बट फॉलो द क्लास रेगुलरली, रेगुलरली फॉलो करिए, जो बोल रहा हूँ उसको नोट्स बनाइए, अपने से नोट्स बनाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ओके, तो वो चीज़ ज़्यादा हेल्प करती है। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द क्लास, आई अप्रिशिएट इफ यू कम लाइव, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक इसको शेयर करिए, और लोगों को भी बोलिए कि लाइव आए, जिससे कि हमारा क्लास थोड़ा और इंटरेक्टिव हो। आप डाउट पूछोगे ना तो क्लास इतना ही मजेदार होगा, ठीक है, बिकॉज एक टीचर को है ना नॉलेज बहुत होता है, स्टूडेंट्स को निकालने वाला चाहिए, ठीक है। आपने जो आज लेक्चर पढ़ा ना, मैंने यही मैंने IITs में ही पढ़ाया था, IIC बैंगलोर में ही पढ़ा, IIC धनबाद में ही पढ़ाया था, और IIT रुड़की में पढ़ाया था। उन्होंने ये लेक्चर लिटरली दो या तीन क्लासेस तक चलता रहा, क्योंकि दे आस्क क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली। तो एक टीचर से कितना निकलवाना है ना, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। और ये मैं देख रहा हूँ कि लाइव क्लासेस में बहुत कम पॉसिबल होता है कि ये बच्चे क्योंकि डाउट पूछते ही नहीं हैं, टीचर पढ़ा रहा है, वन साइड कम्युनिकेशन है। सो प्लीज़ आस्क द डाउट, इन्वाइट मोर फ्रेंड्स, एंड दिस सेड कि कुछ भी दिक्कत आती है तो मुझसे पूछो, आई एम देयर टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेरी, ठीक है, हर चीज बता सकता हूं मैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। ओके थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द क्लास, एंड इफ यू लाइक अवर लेक्चर प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड कमेंट ऑन द यूट्यूब। ओके इफ यू वांट टू टेक अ प्लस सब्सक्रिप्शन यू कैन अप्लाई द कोड पठान। ओके सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा फ्रेंड्स को इन्वाइट कीजिए,
जितने ज्यादा लोग आएंगे इतना बेहतर है, उन सबसे बोलिए डाउट पूछे। ओके हम लोग ठीक है, जो आपके ऑफलाइन टीचर्स थे कभी जिनके पास टाइम नहीं थे, आज वो ऑनलाइन में है, तो ऐसा मत करिए कि उनकी बेइज्जती कर रहे हो आप लोग। एक टाइम था जब हमारे पास टाइम नहीं था, यू आर वास कि सर कभी आ जाओ मिल लो, कि एक बार तो इस स्टेट में आ जाओ, और आज सर आ जाते हैं बच्चे नहीं आते। ओके सो ऐसा ना करिए, ठीक है, क्लास में आइए, मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई विल मीट टुमोरो एट द सेम टाइम। ओके 8:30 आई थिंक वी विल मीट टुमोरो। ओके सो मैं पहले कर्व सरफेस वाला कवर कराऊंगा, देन आई विल मूव टू द फ्लूइड काइनेटिक्स, आई विल नॉट गो डायरेक्टली टू